कोई क्वेश्चंस पूछने हैं आपको? जस्टिस में बता देंगे, जो उदारवाद का समतावादी ब्रांच है, इगलिटेरियनिज्म है, वो आपको रॉल्स है उसमें आमर्त सेन, न्याय के साथ आपको बता देंगे। अरे विमर्शी लोकतंत्र अभी तो उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, किसी ने एक सवाल पूछा है कि उदारवाद दो पृथक विचारधाराओं का मिश्रण है, इनमें से एक है लोकतंत्र, दूसरा है व्यक्ति। अभी हमने लोकतंत्र पढ़ा ही नहीं, तो आपको याद है डेमोक्रेसी अलग चैप्टर है, अधिकार अलग है। और एक बार हम फिर हमने कहा ना कि उदारवाद एक बार नहीं कम से कम 10 times हमें रिपीट करना है। तो अब आगे सारा सवाल आपका उदारवाद से कोई सवाल ही नहीं है। फिर तीसरा है कि क्या आप इस क्या यह पे मानते हैं कि एक उदारवाद समाज नैतिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता है, लेकिन यह सहभागी राजनीतिक मूल्यों की इच्छा भी रखता है, तर्क सहित व्याख्या करिए। ये प्रश्न समझ जा रहा है आपको? मैं फिर पढ़ रहा हूं कि जरा ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि उदारवादी समाज होना चाहिए नैतिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता है, अ लिबरल सोसाइटी एक्सेप्ट मॉरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, लेकिन यह सहभागी राजनीतिक मूल्यों की भी इच्छा रखता है, बट इट एक्सेप्ट द पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल वैल्यूज टू, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो इसका मतलब क्या है? तो कोई भी प्रश्न को आपको लिखे तो एक बार उसके शब्दों के मतलब पता होना चाहिए, जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि व्हाट डज इट मीन बाय दैट। क्या है इसका मतलब? ये आप लिखेंगे तब मतलब समझ में आएगा। लिख लीजिए एक बार, क्योंकि बस सीधे कोई भी क्वेश्चन ना पूछे तो शब्दों के मतलब हमें खूब आने चाहिए, और पढ़ने का तभी तो मतलब सार्थक होगा। एक बार आप पढ़िए, दो बार आप पढ़िए, रिपीटेडली आप पढ़िए, जब तक शब्दों पे वर्डिंग्स पे क्लियरिटी नहीं होगी तब तक, क्योंकि रटने वाला विषय है नहीं। यदि जब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी हम अलग पढ़ेंगे, उदारवाद हमने कहा कई बार आपको रिपीट करेंगे, समाजवाद आएंगे तो, फांसीवाद आएंगे तो, नारीवाद आएंगे तो, उदारवाद तो हमें पूरे सिलेबस में उदारवाद ही घूमता है। तो लेकिन जब हम कोई आप शब्द पूछते हैं तो हमें क्लियरिटी अलग, लिख लीजिए। कि क्या आप यह मानते हैं, डू यू एग्री दैट, क्या आप यह मानते हैं कि एक उदारवादी समाज, अ लिबरल सोसाइटी, क्या आप मानते हैं कि उदारवादी समाज नैतिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता है, इट एक्सेप्ट द मॉरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। नैतिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता है, लेकिन यह सहभागी राजनीतिक मूल्यों की भी इच्छा रखता है, बट इट ऑल्सो एक्सेप्ट द पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल वैल्यूज। यह राजनीतिक सहभागी यह सहभागी राजनीतिक मूल्यों की भी इच्छा रखता है। तर्क सहित व्याख्या करिए। तर्क सहित व्याख्या करिए।
आप ये बताइए इसका मतलब क्या है. इसमें पहले कोई प्रश्न आपको मेरे पहले की टर्म ढूंढिए. अब कोई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, की टर्म ढूंढिए, प्रश्न सॉल्व नहीं हो पर फिर एक बार कॉपी आप पलट के देखिए, नोट्स पलट के देखिए, बार बार रिपीट करके पढ़िए. कई बार आपको बताते हैं पूरा पॉलिटिकल थियरी का नोट्स कितने में है, कितने पेज में है. मैं आपको एक बार आपको बार बार याद दिलाता हूं कि आपने बात सुना होगा कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत लंबा है. आप पॉलिटिकल साइंस के नोट्स को किसी और विषय के नोट से कंपेयर कर लीजिए, इसे लंबा तो बिल्कुल नहीं है. हाँ, कॉन्सेप्चुअल विषय है, समझ पर आधारित विषय है. तो अगर हम एक चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, अब आपको लगता नहीं भाई इतनी सी बुकलेट आपको मिली, उसी को कितनी बार आपने पढ़ा अभी तक, उदारवाद आपने कितनी बार पढ़ा है. अच्छा आप बताइए शब्दों का मतलब क्या, अगर आपने पढ़ा है तो शब्दों का मतलब क्या है, मैं की टर्म क्या है, मतलब नैतिक और सांस्कृतिक विविधता क्या होता है, नैतिक विविधता क्या है. नैतिक विविधता का मतलब क्या है, मॉरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मतलब नैतिक विविधता का मतलब बहुसंस्कृतिवाद है, सांस्कृतिक विविधता का मतलब. और भाई देखिए आप एक बात याद रखिए, एग्जामिनर सीधा तो आपसे नहीं पूछेगा, अगर आप बड़े भाग्यशाली होंगे जब एग्जामिनर सीधा पूछ ले कि बहुसंस्कृतिवाद को बताइए, वो शब्दों बदलेगा. चाहे जीएस में देखिए, विषय में देखिए, प्रश्न हमेशा संकल्पनात्मक होता है, समझ पर आधारित होता है, तथ्यात्मक और रटने वाला नहीं. अब आप देखें, अच्छा उदारवाद की एक मान्यता हम बार बार रिपीट करके चले हुए हैं, इट बिलीव्स इन ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, ये व्यक्ति की स्वायत्ता को मानता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानता है. और नैतिक विविधता का मतलब होता है कि जितने व्यक्ति हैं उनके विचार अलग अलग हैं, इसलिए हो सकता है किसी के लिए होमोसेक्सुअल राइट ठीक ना हो, किसी के लिए ठीक हो, किसी के लिए बोलने की आजादी का बड़ा महत्व हो तो बहुत सारी बातें बोलता हो, एक व्यक्ति का विचार दूसरे से अलग हो. मॉरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विचार, जीवन के मूल्य, जीवन में मॉरल डाइवर्सिटी का मतलब हाउ वी शुड लीड अ गुड लाइफ. भाई उदारवादियों से पूछेंगे कि अच्छा समाज कैसे होगा, एक अच्छा व्यक्ति के जीवन का मतलब क्या है, तो हाउ लिबरल्स विल स्पीक, वो कहेंगे कि व्यक्ति स्वयं निर्धारित करे कि उसके लिए अच्छे मूल्य क्या है. यही तो हमने न्यूट्रल स्टेट की बात बताई थी, स्टेट विल नेवर प्रेस्क्राइब दैट व्हाट इज गुड फॉर यू, सोसाइटी विल नेवर प्रेस्क्राइब व्हाट इज गुड फॉर यू, समाज, राज्य, परिवार कभी नहीं बताएगा कि आपके लिए अच्छा क्या है. यही तो नैतिक विविधता है, जितने लोग हैं उतने विचार हैं, जितने लोग हैं उतनी जीवन शैली है, जितने लोग हैं उतने आदर्श है. इस वजह से एक व्यक्ति के सिद्धांत दूसरे पे लग जाए ऐसा वास्तविक नहीं है. और नैतिक विविधता कब होगी, जिस समाज में लिबर्टी होगी, जिस समाज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, वहीं तो सोचने की आजादी मिलेगी. तो एग्जामिनर के शब्द का प्रयोग किया नैतिक विविधता पहला. और फिर दूसरे की टर्म पर आएंगे कि इट इज ट्रू दैट दे हैव एक्सेप्टेड द मॉरल डाइवर्सिटी, तो आप इससे शुरू कर देंगे कि जो परंपरागत द्वारवादी थे व्यक्ति को केंद्रीय मान के चलते हैं, लेकिन समकालीन समय में माना गया कि व्यक्ति एक समुदाय में रहता है, समाज में रहता है, इसलिए धर्म क्या है, भाषा क्या है, कल्चर क्या है, उनका भी उतना ही महत्व होता है. इसलिए उसने बहुसंस्कृतिवाद को नहीं पूछा, शब्द को बदल दिया. भाई सांस्कृतिक विविधता शब्द आपको प्रयोग हो, बहुसंस्कृतिवाद ध्यान में ना आए, इसका मतलब अपने विषय को फिर समझा नहीं, रटा है वो, रटने से काम नहीं चलेगा. कोई भी विषय देख लीजिए, शब्दों की समझ आप खूब होनी चाहिए. सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या है, बहुसंस्कृतिवाद. लेकिन एक बात आप देखेंगे, चाहे लिबरल्स ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल माने, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता माने, लेकिन उनका फाउंडेशन एक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसे प्रश्न के लास्ट में क्या है कि वो राजनीतिक सहभागी राजनीतिक मूल्य, ये सहभागी राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं, ये सहभागी राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं, मतलब सहभागी के स्पष्ट मतलब क्या है. हाँ तो आपको याद दिला दीजिए, जब भी हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव वैल्यूज, तो पार्टिसिपेटिव वैल्यूज क्या है,
राइट टू वोट, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यदि हमें लोकतंत्र का अलग से विचार पढ़ना है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द राइट टू पार्टिसिपेशन. तो पार्टिसिपेटिव वैल्यू का मतलब है कि हमें मतदान का अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए, हमें दबाव समूह बनाने का अधिकार होना चाहिए. और डेमोक्रेसी में, इसीलिए हम डेमोक्रेसी के सिद्धांत को पढ़ेंगे भी, इट बिलीव्स इन बेसिक पार्टिसिपेटिव वैल्यूज. ये कुछ मूल सहभागी मूल्यों को स्वीकार करता है, क्योंकि अगर व्यक्ति की प्राथमिकता है तो व्यक्ति का ही चयन है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए. एंड व्हाट इज मोस्ट रेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेटिक. वही एक ऐसा शासन है जो सभी की आजादी को बनाए रखता है, उसका नाम क्या है? लोकतंत्र. एक ऐसा शासन जो सभी के लिए समानता की बात करता है, उसका नाम क्या है? डेमोक्रेसी. तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये तीन पार्ट आपको लिखना है. उदारवाद की बेसिक बातें, बहुसंस्कृतिवाद का मान्यता, उसके बाद तीसरा विचार अपने आप आ जाएगा, राजनीतिक सहभागिता का मतलब है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संवैधानिक शासन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद. ये प्रश्न का मतलब है. तो पहले शब्दों की समझ आप देखिए, अब लिख लेंगे इसको. अगला प्रश्न आप किसी ने पूछा है, जब आप लोगों ने शायद उदारवाद से बहुत आगे अभी बढ़ गए हैं थोड़ा सा, किसने, क्या आप इस बात से उदारवाद पश्चिम की विचारधारा है, गैर पश्चिमी संदर्भों के लिए उपयुक्त तो नहीं है? अच्छा, मान लीजिए कि इस बात पे हम लास्ट में देखेंगे इस बात को. किसने पूछा, क्या आप इस बात से सहमत है? मान लीजिए हर प्रश्न विचार करना चाहिए, प्रश्न जितना विचार करेंगे उससे एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती है, विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी. उससे फायदा क्या होता है, एग्जाम हॉल में अगर आपने ऐसा प्रश्न आपके सामने आ गया जो कभी आपने देखे नहीं है, तो भी उसका उत्तर आपको आ जाएगा, क्योंकि आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी चीजों को खोलना जानते हैं, तोड़ना जानते हैं. तो आप चाहे जीएस में हो चाहे विषय में हो, विषय का अध्ययन का तरीका एक ही होता है, बी कॉन्सेप्चुअल. आप पॉलिटी का उत्तर देख लीजिएगा, आईआर का उत्तर देख लीजिए, कोई इन्फॉर्मेटिव सवाल हो तो आप मुझे बताइए. अब मान लीजिए हमने इतनी बात पढ़ी, तो हमें एक विचार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, यदि थोड़ा सा प्रश्न इसका आगे हम जवाब देंगे भी, फिर भी इतना पढ़ा है तो आप जरा सोच के देखिए. मैं फिर प्रश्न लिखिए, प्रश्न ये सब अच्छे प्रश्न है. इससे क्या होता है कि हम एक वैकल्पिक सोच भी रखते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछे हमारे पास उसका जवाब होगा. तो आप लिखिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं उदारवाद पश्चिम की विचारधारा है, लिबरलिज्म इज अ वेस्टर्न आइडियोलॉजी, उदारवाद एक पश्चिम की विचारधारा है, और यह गैर पश्चिमी संदर्भों के लिए उपयुक्त नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट. यह गैर पश्चिमी संदर्भों के लिए उपयुक्त नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट. यह गैर पश्चिमी संदर्भों के लिए उपयुक्त नहीं है. बताइए इसका मतलब क्या है. बताइए इसका मतलब क्या है. उदारवाद अभी आपने पढ़ा, इस प्रश्न का मतलब क्या है ये. तो देखिए, सही बात आपने सही कहा, इसका मतलब है कि उदारवाद कहां की विचारधारा है, पश्चिम की. इसका सीधा सा मतलब है, उदारवाद जिस मूल मान्यता को मानता है, व्यक्ति प्राथमिक है, वो मानता है विधि और संविधान का शासन है, वो सेकुलरिज्म की बात को मानता है. If you look at the basic tenets of liberal ideology, they believe in the premise of individual, individual liberty, some constitutionalism, secularism. और ये सब क्या हुआ? पश्चिम के industrialization और urbanization का बाई प्रोडक्ट था. अब आप देखिए, एग्जामिनर ने क्या पूछा कि आपको जिस तरीके से हमने हिस्टोरिकल ओरिजिन देखा उदारवाद का,
वो पश्चिम में ही तो आया, जब उदारवाद पश्चिम में आ गया तो अब समाज है कि इट इज नॉन वेस्टर्न, इसका मतलब है नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज कौन है, अफ्रीकन हो सकते हैं, एशियाई हो सकते हैं, लैटिन अमेरिकन हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से आप देखेंगे इस्लामिक समाज हो सकते हैं, इस्लामिक समाज में आज भी आप याद रखिए अगर लिबरलिज्म के बेसिक वैल्यूज को देखें, कई लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते, जैसे कई जगह इस्लामी समाज में बहुत ऑब्जेक्शन है, इस्लामी समाज के हिसाब से प्रधानता व्यक्ति की होनी चाहिए या ईश्वर की, आप देखिए अगर इस्लामी धर्म के हिसाब से आप देखेंगे उदारवाद का मूल है ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल एंड डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इक्वली रिस्पेक्टेबल, तो सभी व्यक्ति गरिमा का समान सम्मान होना चाहिए, दैट इज ए कोर लिबरल फिलोसफी। इस्लाम इस बात को नहीं मानता, भाई ईश्वर की प्राथमिकता है व्यक्ति की नहीं। अब जो सेकुलर वैल्यूज वेस्ट के हैं उसको इस्लाम नहीं मानता, और अब वो इस्लाम की बात तो छोड़िए, हिंदुस्तान में बाकी सब धर्मावलंबी, हिंदुस्तान में यही तो डिबेट बार बार होती है, भाई जो हमने सेकुलरिज्म का विचार लाया वो तो वेस्टर्न विचार है। इसका मतलब है लिबरल आइडियोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में उत्पन्न हुई, दैट सोसाइटी वॉज मोर अर लेस अ मैरिटलिस्टिक सोसाइटी, वो तो भौतिकवादी समाज था, वहां वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ, वहां व्यक्तिवाद का विकास हुआ, वहां सार का विकास हुआ। एशियाई समाज धार्मिक थे, मैटरिस्टिक नहीं। एशियाई समाजों में परिवार का महत्व आज भी आप देखेंगे, परिवार का महत्व है, चाहे चाइना को हो चाहे कितना भी, और इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया में चले जाइए तो महातिर मोहम्मद तो कहते भी एशियाई मूल्य का विचार, द एशियन वैल्यूज, उसको हम आगे देखेंगे भी। इसलिए ये सवाल हमेशा रहा कि पश्चिम की ये मान्यता कहां तक लागू होती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उदारवाद ने जो मूल्य बताए व्यक्ति की प्राथमिकता का, व्यक्ति के महत्व का, वो पश्चिम में भी लागू हो, इस बारे में बड़े डाउट हैं। इतने एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इस्लाम इस बात को नहीं मानता, महातिर मोहम्मद ने एशियाई मूल्यों का विचार दिया, भारत में भारतीय एशियाई समाज ऑलवेज देयर, दीज आर मोरली रिलीजियस सोसाइटीज, पश्चिम के एक तिहाई लोग तो नास्तिक है, नास्तिक का मतलब है किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, और एशियन सोसाइटी इनफैक्ट स्पिरिचुअल। भारत एक ऐसा मात्र देश है जहां पे आप, अभी भारत ही नहीं बल्कि और एशियाई भी देश हम देखेंगे, 50-60 साल के बाद आदमी का स्वाभाविक रुझान रिलीजियस हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। मैंने तो गांव में ऐसे व्यक्ति देखा जो सब्जी बेचता था, पूरे जीवन भर सब्जी में बड़ा हेरेफेरी करता था, अचानक 50 साल के बाद गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। हमने कहा अरे बाबा ये क्या है, मैंने कहा तो मैं अचानक उससे मिला, मैं चौंक गया, हमने कहा बाबा आप क्या, क्या आपने व्यवसाय वगैरह छोड़ दिया, हम सब व्यवसाय मैंने बच्चों को दे दिया, मैंने कहा आप क्या करते हो, वो केवल तीर्थ यात्रा करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को हमने देखा है, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग जीवन के बहुत उच्च पदों पर रहे, 50-60 साल के बाद जीवन का ऐसा मार्ग पकड़ लिया जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, दैट लाइज इन इंडियन कल्चर। पश्चिम में देखे 80 साल में आदमी पार्टनर ढूंढ रहा है, वहां की सोच अलग है, और यहां यहां अगर आप यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको इतना ताना बाना है कि चाचा ताऊ मामा कोई कौन कौन रिलेटिव आपके पास पहुंच जाएंगे, आप उनको भूल चुके होंगे लेकिन वो आपके पास आ जाएंगे। पश्चिम में भाई भतीजावाद जैसा कोई विचार नहीं होता, इंडिया में करप्शन का बहुत बड़ा कारण है नेपोटिज्म, पश्चिम में ऐसा विचार ही नहीं आता क्योंकि न वहां भाई है न भतीजा है, व्यक्ति अणु की तरह है। तो पहला ऑब्जेक्शन ये है, पहला ऑब्जेक्शन ये है कि इट अपीयर्स दैट इज नॉन वेस्टर्न आइडियोलॉजी, तो पहली बात आप लिख देंगे दो तीन पॉइंट, लेकिन उत्तर का समापन आप करेंगे लास्ट वाले पार्ट पे लिखेंगे। अब सवाल है कि भारत में कौन सा शासन अपनाया गया, लोकतांत्रिक, अब बताइए क्या हमने वेस्टर्न मूल्य नहीं स्वीकार कर लिया है, वेस्टर्न मूल्य नहीं स्वीकार किया है। और एक बात आप देखिए, जब गैर पश्चिमी विचारधारा की बात करेंगे तो हम गांधीवाद पर आएंगे, एंड गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक अगेंस्ट दिस लिबरलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गांधी ने सब मूल्यों की आलोचना की थी, तो गांधी का तो बड़ा डिफरेंस आप दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सवाल थोड़ा आपने पहले पूछ लिया। दूसरी बात है, लेकिन लास्ट में आप लिखेंगे ये बात सच है कि आप कुछ भी कहिए कि आज के दुनिया में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन है, डेमोक्रेसी, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। और ये बात अलग है कि आज उदारवाद ने भी माना है कि देयर इज ए कल्चरल डाइवर्सिटी, अब तो उदारवाद ने सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया है बहुसंस्कृतिवाद के माध्यम से। एक बात आप याद रखिए, उदारवाद में कोई विचार लिखें घूम फिर के बात वही आ जाएगी, संकल्पनात्मक विषय के साथ फायदा ये होता है कि आपको घूम फिर के वही बातें करने, उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास।
तो अभी तो दरवाद हम इतनी बार रिपीट करेंगे आपको बोरिंग होने लगे, कह कि वही बात बार बार आती है तो बार वही है तो क्या करेंगे हम। लेकिन फिर आप सेकंड पॉइंट पे क्या बताएंगे कि उदारवाद ने जिस शासन प्रणाली का निर्माण किया ये गतिशील विचारधारा है, डायनेमिक है, और बहुसंस्कृतिवादियों ने माना है कि इसमें कल्चरल डायवर्सिटी को समावेशित किया जा सकता है। और एक बात याद रखिए, लास्ट में आप इस बात को मानेंगे, नाउ वी आर लिविंग इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ऐसा करना पश्चिम गैर पश्चिम कुछ मानवता के मूल्य साझे हो सकते हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति गरिमा, ये साझे हैं और इन मूल्यों ने गैर पश्चिमी समाजों में बड़ा परिवर्तन किया। अब डॉक्टर अंबेडकर वेस्टर्न थे या नॉन वेस्टर्न थे? डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? नॉन वेस्टर्न थे, लेकिन उन्होंने कितना महत्वपूर्ण माना कि ये वेस्ट के मूल्य एशियाई समाजों को बदलने के लिए कितने जरूरी है। इसलिए ये डिविजन करना कि वेस्टर्न नॉन वेस्टर्न ये ठीक नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जब हम आजकल पोस्ट कॉलोनियल थिंकिंग है जो ये मानती है कि पश्चिम से आया हर विचार ठीक नहीं है, हम उसको अपने परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग लगा सकते हैं, आगे जिसका हम चर्चा जिसकी हम चर्चा करते हैं इन तरीकों से लिख सकते हैं। पहले आप उदारवाद की मूल टेनेंट्स बता दीजिए, एशियाई समाजों की मूल विशेषता बता दीजिए, और थर्ड में ये मान लीजिए कि पश्चिमी जो उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो ओरिजिन तो वेस्ट से हुआ, और आज तो आज के दौर में तो ज्यादातर समाज इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो चुके हैं, दे आर द पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब समाज अर्बनाइज होंगे, इंडस्ट्रियलाइज होंगे, तो ये विचार तो आगे बढ़ेंगे ही। इसे आज के दौर में किसी मूल्य को ये कह देना कि स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, द पीपल आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई स्पिरिचुअलिज्म इन द वेस्ट, पश्चिम के लोग भी अध्यात्म से बड़े प्रभावित हो रहे हैं, ये चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक प्रश्न आपने लास्ट में पूछा है, उदारवादी मतांधो होना चाहिए, उतार ये इग्नू के लैंग्वेज आपने यूज किया क्या? हाँ, तो थोड़ा सा उदारवादी मतांधों के संग्रह की अपेक्षा एक रुझान है। अच्छा, मतलब क्या है उदारवाद? अच्छा लिखिए प्रश्न, फिर लिखिए, आपको बस शब्द स्पष्ट होने चाहिए, कुछ भी आपको शब्द नोट्स में पढ़िए, कभी शब्द अटपटा लगे उस पर एक बार जरूर रटिए मत, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, खरे मतलब क्या, लिख लीजिए, उदारवाद मतांधों के संग्रह की अपेक्षा एक रुझान है, लिबरलिज्म इज अ मोर अ टेंडेंसी rather than collection of ideas, उदारवाद मतांधों। अब देखिए हिंदी शब्द आपको तो नहीं समझ में आ रहा है और आप कहते हैं हम हिंदी भाषी है, उदारवाद मतांधों के संग्रह के अपेक्षा एक रुझान है, लिबरलिज्म इज अ मोर टेंडेंसी रादर देन कलेक्शन ऑफ आइडियोलॉजीज और आइडियाज, इसका मतलब क्या है? हाँ, उदारवाद तो हर कुछ आगे पीछे होगा, बस सब एक ही तो होगा, वो आइडिया में सब एक ही होगा। आप याद रखिए, जब ये मतांध का मतलब क्या होता है, क्या एक बात आप याद रखिए, उदारवाद मत भाई दो चीजें होती है, विचारधारा का मतलब विचारों का समुच्चय है, विचारों का अभिप्राय है, तो उदारवाद मतांध क्या है, मत 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 पर दृढ़ता करना, मत को स्वीकार करना मतांध कहा जाता है। तो उदारवाद क्या है, मतांध के रूप में क्या है, उसके कुछ मूल्य मान्यताएं हैं जो शास्त्रीय है, कल्याणकारी है और नवउदारवादी है। तो उदारवाद अगर मत के रूप में देखा जाए तो कुछ बेसिक ट्रेंड्स है, वही जो हमने बताया, व्यक्ति की आजादी, वैदिक शासन, संविधान का शासन, पूंजीवादी व्यवस्था, ये उदारवाद की मान्यताएं हैं। लेकिन वो कैसे बदलती चली गई, इसलिए उनको एक तरीके से परिभाषित करना कठिन था। कहने का एक ही अभिप्राय, व्हाट हैकर सेड दैट any brave person can define the meaning of liberalism, भाई मतांध का मतलब होता है कि इसका इतना विस्तार हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है
को कोई बहादुर व्यक्ति से परिभाषित कर सकता है। लेकिन इसके बाद इसलिए ये कहना है कि एक टेंडेंसी है, हैबिट है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ बेसिक लक्षण है वो बताए जा सकते हैं। वो बेसिक लक्षण जो हमने पहले बता दिया कि भाई स्वतंत्रता, समान स्वतंत्रता, विधि का शासन, संविधान का शासन, अदरवाइज शासी उदारवाद में कुछ रहा है, कल्याणकारी राज्य में कुछ रहा है, समुदायवाद बहुसंस्कृतिवाद में कुछ रहा है। तो एक बेसिक रुझान है इसका, एक बेसिक टेंडेंसी है। रुझान का मतलब है बात को इस तरीके से कहे, उदारवाद के तीन फेज हमने देखे, क्लासिकल, मॉडर्न, नियोलिबरलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, ये मल्टीकल्चरलिज्म, इतनी विविधता के बावजूद कोई एक सामान्य टेंडेंसी है कि परिवर्तन इसका नाम है, सामान्य टेंडेंसी एक नहीं। और जो सामान्य टेंडेंसी क्या है वही है उसकी रुझान। जैसे अभी पोल होने वाला है, अभी सारे राज्यों में पोल होगा, तो आप देखेंगे जब टीवी देखेंगे तो इसमें लगा रुझान आ रहा है, रुझान का टेंडेंसी क्या है, कौन जीतने वाला है। इसका मतलब इतनी विविधता के बावजूद व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ लिबरलिज्म। भाई अब गांव में रहे कुछ थे, दिल्ली में आगे कुछ और हो गए, सिविल सर्वेंट कुछ और है, आप में चेंज हो रहा है कि नहीं। चेंज होने के बावजूद आप में कुछ ऐसा क्या है जो लगातार बना हुआ है, कुछ तो आप में होगा ऐसा, या सब कुछ आप चेंज करते चले जाते हैं। कुछ बातें फिक्स होती हैं, इसी को रुझान कहते हैं। बाकी क्या है, उदारवाद के तीन फेज है, ये लिखना है। और जो सवाल आपने पूछे हैं कि बॉटमोर, एक विचारक है बॉटमोर, किसने बॉटमोर के अनुसार एक व्यक्ति उदारवादी हेतु उदारवादी हो सकता है, जबकि एक दूसरा व्यक्ति उदारवाद के विरुद्ध होते हुए भी उदारवादी हो सकता है। प्रश्न ध्यान सुन रहे हैं, सेंटेंस जलेबी जैसा है, आपने देखा हो जलेबी को, लेकिन आप देखिए यही आपकी विश्राम क्षमता है, शब्दों को पकड़ना सीखिए। शब्द कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो उसको आराम से पकड़ के देखिए। एक व्यक्ति उदारवाद हेतु एक उदारवादी हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उदारवाद के विरुद्ध होते हुए भी उदारवादी हो सकता है। अ पर्सन कैन बिकम लिबरल एंड अदर पर्सन हु इज अगेंस्ट लिबरल आइडियाज ही आर सी में ऑल्सो बी अ लिबरल। मतलब एक उदारवादी हो सकता, एक व्यक्ति उदारवादी हो सकता है, दूसरा उदारवाद के विरुद्ध होते हुए उदारवादी हो सकता है, ये मतलब क्या है? अच्छा, कोई उदारवाद का विरोधी होते हुए भी उदारवादी हो सकता है। बात तो सीधी सी, देखिए हर विचारधारा, आप जो सैद्धांतिक बता रहे हैं ठीक है, हर विचारधारा जब मानवीय के विषय में कहते हैं हु इज लिबरल। अच्छा, मैं एक पुरुष सामने खड़ा हो, एक महिला सामने खड़ा हो, एक लड़की एक लड़का, उसने पूछा हु इज अपोजिट सेक्स। दूसरा सवाल, जो लोग यहां बीच में बैठे हैं बताइए, वो दाएं बैठे हैं बाएं बैठे हैं? आप कहां बैठे हैं, आप दाएं बैठी हो या बाएं बैठी हो? अरे भाई सीधी सी बात है, उदारवादी व्यक्ति कौन हो सकता है, उसकी कुछ मान्यताएं हैं, और एक उदारवाद का विरोधी होते हुए भी उदारवादी हो सकता है, क्योंकि उदारवाद के भी अपने वैरायटी हैं। भाई एक व्यक्ति हमारे लिए उदारवादी हो सकता है और दूसरे के लिए रूढ़िवादी हो सकता है। अच्छा, हम उदारवादी हैं कि नहीं, हम उदारवादी है कि नहीं? और अमेरिका कोई व्यक्ति उदारवादी होगा, तो अमेरिका का व्यक्ति ज्यादा उदारवादी होगा या हम? अमेरिका का व्यक्ति ज्यादा उदारवादी होगा। और सवाल है, अमेरिका के व्यक्ति लिए हम उदारवाद के विरोधी होंगे या उदारवाद के साथ होंगे? उदारवाद के विरोधी होंगे। इसलिए कहा जाता है, और ये भी आप याद रखिए, इस शब्द के तो बहुत सारे मतलब है, और उदारवाद के विरोधी तो समाजवाद भी है, उदारवाद के विरोधी समाजवाद भी हैं, उदारवाद के विरोधी बहुसंस्कृतवाद समुदायवादी भी हैं, फिर भी उनकी बेसिक मान्यताएं वो मानते हैं, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करते चले जाते हैं। तो इसके बहुत सारे अर्थ आप निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक के लिए उदारवादी है, दूसरे के लिए रूढ़िवादी हो सकता है। ये संदर्भ पर डिपेंड करता है कौन उदारवादी है कौन उदारवादी नहीं है। और उदारवादी का विरोध करना, समुदायवाद बहुसंस्कृतिवादी कहते हैं उदारवाद के विरोधी हैं, फिर भी क्या है, उदारवादी। किसी ने पूछा है समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद उदारवाद के प्रकार है या भाग है? बात वही है, भाग कर लीजिए, प्रकार कर लीजिए, अभिप्राय की है।
ये देखिए देखिए 2017 में ये सवाल आया था कि बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं, बहुसंस्कृतिवाद पर भिखू पारी के विचारों की विवेचना कीजिए। ये तो एकदम एग्जैक्टली मैंने बता ही दिया आपको, और आप नोट्स में देखेंगे ये मान्यता पहले से लिखी हुई है, नोट्स में पहले से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आने के बाद आपको बताया गया। बहुसंस्कृतिवाद हमेशा नोट्स में होता ही है। अब मान लीजिए अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें कि एक प्रश्न का स्ट्रक्चर आपको बता दें कैसे लिखा जाता है कि बहुसंस्कृतिवाद, मतलब एक प्रश्न का स्ट्रक्चर आपको बता दें, बहुत सारी बातें तो हमने ऐसे बता दी आपको। 2017 का अगर ये सवाल है, इससे ये ट्रेंड आप देखेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद इस सिलेबस में क्या पूछा गया, उदारवाद। एग्जामिनर कहां से पूछ रहा है, बहुसंस्कृतिवाद से, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपको बहुसंस्कृतिवाद पढ़ना है। और आप देखेंगे बहुसंस्कृतिवाद हमेशा से हम बताते रहे, नोट्स में तो आप देखेंगे बहुत पहले से है, प्रीवियस ईयर के भी क्लास, ये भी अप्रोच आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास कुछ अब एग्जाम में आ जाए तो फिर उसके बाद हम आपको बहुत संस्कृतिवाद बताने लगे, तो प्रीवियस ईयर के भी आप नोट्स देखेंगे तो उसमें हमेशा है कि उदारवाद की डिबेट जब भी आप पढ़ेंगे, समुदायवाद बहुसंस्कृतिवाद यही मेन होगा। अब मान लीजिए कि यह है कि बहुसंस्कृतिवाद से अभिप्राय क्या है, तो आप सीधे बता देंगे मीनिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, पहला बहुसंस्कृतिवाद का अभिप्राय बताने में समस्या नहीं है। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि भिखू पारी का विचार इसे बताइए, ये सबसे सरलतम सवालों में एक माना जाएगा, भिखू पारी का विचार उदारवाद के बारे में बता दीजिए। और नीचे लिखा है, देखिए हिंदी और इंग्लिश के टर्म में अंतर है, इंग्लिश में लिखा है डिस्कस, हिंदी लिखा है विवेचना कीजिए। तो डिस्कस का मतलब होता है किसी विचारों के दो तीन आयाम है, दो तीन आयाम है, और उन दो तीन आयामों का आपस में विश्लेषण करिए और चर्चा करिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मस्ट बी एनालिटिकल बट नॉट क्रिटिकल, मैं डिस्कस में हम क्रिटिसाइज नहीं करते, आलोचना का मतलब खामियां दिखाना, और भिखू पारी के विचार में खामियां नहीं विशेषता है, इसलिए एग्जामिनर ने क्रिटिकल एग्जामिन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है, डिस्कस। इसका मतलब हर क्वेश्चन विश्लेषणात्मक होना चाहिए, क्यों है, कैसे है। एक होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, मैं क्या है लिखते जाइए, ये वर्णन होगा। और आपके एग्जाम में चीजें वर्णनात्मक नहीं पूछी जाती, ज्यादातर चीजें क्या पूछी जाती हैं, विश्लेषणात्मक। तो आपको लिखना है क्यों है, कैसे है, इसका प्रभाव क्या है, ये डिस्कशन है। तो लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, हम आपको एक बार बता दें कि ये इंट्रोडक्शन, ये कंक्लूजन। अब मान लीजिए प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, अब हम इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा बनाए, इसी बात को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि मतलब देखने बड़ा सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कैसे हम भूमिका लिखें, ये हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कि भूमिका कैसे प्रिफर करिए, कैसे न लिखा जाए, जैसे आप सीधा अगर तथ्यात्मक लिख रहे हैं कि बहुसंस्कृतिवादी विचारधारा का जन्म 1980 के दशक में हुआ, इसके प्रतिपादक ये हैं, तो निश्चित तौर पर दैट इंट्रोडक्शन इज मोर इन्फॉर्मेटिव। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव चीजों को मत लिखिए, हिस्टोरिकली मत लिखिए, कॉन्सेप्चुअली लिखिए। दो प्रकार के इंट्रोडक्शन होते हैं, एक हिस्टोरिकल दूसरा कॉन्सेप्चुअल। ऑलवेज ट्राई टू राइट कॉन्सेप्चुअल रादर देन हिस्टोरिकल। मतलब ध्यान से देखेंगे, कभी भी आपके एग्जाम में चीजें हिस्टोरिकल नहीं पूछी जाती, कॉन्सेप्चुअल। मैं जीएस के तमाम एग्जाम्पल को बता सकता हूं। जैसे हम क्या किताबों में क्या पढ़ते हैं, भाई राज्य का पुनर्गठन हमारे यहां कब कब हुआ, कैसे किस क्रम में हुआ, बताइए 56 में हुआ। हम पॉलिटिकल एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन विषय में हो चाहे जीएस में हो, प्रश्न पूछने का तरीका एक ही होता है, कॉन्सेप्चुअल। इसे मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय सही तरीके से पढ़िए। एग्जाम के ट्रेंड तो आप देखिए, पता नहीं तथ्य रटे हुए पड़े हुए हैं, किसी काम का नहीं है। आप अगर किताबों में देखें तो लिखा हुआ है कि फिर कैसे राज्य का निर्माण हुआ, 56 में हुआ, फिर 71 में हुआ, 63 में हुआ, इस तरीके से आगे बढ़ा। एग्जामिनर ने क्या पूछा, नए राज्यों के निर्माण ने, भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण में क्या भारत की भारत की एकता अखंडता में वृद्धि की या नुकसान पहुंचाया, विवेचना करिए। कॉन्सेप्चुअल है, हिस्टोरिकल है, फिर आप देखिए। इस बार फिर क्या पूछ लिया कि नए राज्यों के निर्माण ने भारत के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित किया, कॉन्सेप्चुअल है, हिस्टोरिकल है। एक भी मुझे प्रश्न ऐसा बता दीजिए जो एग्जाम में आपका हिस्टोरिकल प्रश्न आया हो। इसलिए हर प्रश्न का ध्यान देखिए, इसमें क्या इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल नहीं। अब मान लीजिए इसका इंट्रोडक्शन लिखना हो, है बहुसंस्कृतिवाद पे सवाल,
लेकिन हम कैसे व्यापक तरीके से उसको बनाते हैं, जैसे हम इसका भूमिका लिख सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा बहुआयामी है, शास्त्रीय उदारवाद का स्वरूप कल्याणकारी राज्य में बदला, और समकालीन उदारवादियों में समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवादियों के नाम उल्लेखनीय है जो उदारवाद का संशोधन करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन दूसरा बता दें, अब आप मान ली हम लिखवा दें फिर तो आप लिख लेंगे, आप जो भी कहेंगे हम लिखवा देंगे, नोट्स में इतना है, क्लास में लिखवाए, अब कितना लिखवाएंगे दोस्तों। इसे कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने नोट बोला और धड़ाधड़ लिख लिया, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ऑलवेज ट्राई टू लर्न दैट हाउ आई शुड राइट द राइट। अब बताइए कॉपी, मैंने तीन दिन से चार दिन से उदारवाद चार दिन लग गया, क्या किया हमने अभी तक? लिखवाया। और आप क्या सोचते हैं हर प्रश्न का लिखवा दे या लिखना सिखा दे? कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए कि नहीं? आजकल एक शब्द का प्रयोग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग, आमर सेन का में ही पढ़ेंगे, चीजों लोगों को मछली मार के दीजिए मत, मछली मारना सिखाइए, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहना है। स्कॉलरशिप दे दिया 100 रुपए, गुटखा खा के थूक दिया, उससे अच्छा कंप्यूटर सिखाया होता तो उसके काम आता। इसे आप देखिए, हम दूसरा इंट्रोडक्शन आपको बता दें, फिर दूसरा कैसे बताएंगे? उदारवादी विचारधारा का मूल आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक शासन और पंथ निरपेक्षता है, जो 20वीं शताब्दी में संस्कृति और समूह के संदर्भ में समुदायवादियों बहुसंस्कृतिवादियों ने विश्लेषित किया। हमने भूमिका बदल दी। हम तीसरी भूमिका आपको बता दें कि पश्चिम में उदारवाद के अतिरिक्त समाजवाद, साम्यवादी विचारधाराओं का उद्भव हुआ, लेकिन विगत 400 वर्षों में उदारवादी विचारधारा सबसे प्रभावी बनकर उभरी, जिसमें इसका वर्तमान रूप बहुसंस्कृतिवाद है। तो एग्जामिनर किस बात इंप्रेस होगा? यह बताने पर कौन सा सदस्य उत्पन्न हुआ, यह बताने पर कॉन्सेप्चुअली। अब जैसे कहेंगे, इट मीन्स लिबरल आइडियोलॉजी इज वेरी डाइवर्स, विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेटेड बैक टू 400 ईयर्स, एंड द वेरियस आइडियोलॉजी लाइक सोशलिज्म, कम्युनिज्म ऑल्सो एग्जिस्ट इन द वेस्ट, बट लिबरल आइडियोलॉजी मोस्ट डोमिनेटिंग। हम इसके अलावा चौथी आइडियोलॉजी आपको बता दें, चौथी भी आइडियोलॉजी आपको बता दें। इसका मतलब एक भूमिका नहीं, चार चार भूमिका बना सकते हैं। तो इसका मतलब भूमिका कैसे बनाएंगे? जो हमने शब्दों का प्रयोग किया, संविधानवाद, लोकतांत्रिक विचारधारा, पंथ निरपेक्षता, व्यक्ति की स्वायत्तता, इन्हीं शब्दों का इंट्रोडक्शन प्रयोग होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग करना सीखिए, हिस्ट्री का नहीं, अतीत का नहीं, सब सब बिला वजह लिखे ये यहां उत्पन्न हुआ, 17वीं शताब्दी में लॉक उत्पन्न हुआ, 18वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ, 150 शब्दों में 17वीं शताब्दी बताएंगे, 18वीं शताब्दी बताएंगे। ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड्स कंस्टेंट। ये भूमिका आ गई और मुझे लगता है कि मीनिंग और इसी सब बता चुके थे, इसने आपको बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने भीखू पारिक ने क्या कहा और डिस्कस का मतलब, भीखू पारिक से पूछा गया, अपने आप कंपेयर कर दिए विल किमलिका को, ये अपने होना चाहिए। जो पूछा गया उसके अलावा भी चीजों को देखिए, कंपेयर करिए। भीखू पारिक से पूछा गया, विल किमलिका को अपने आप कंपेयर कर दीजिए। तीसरा, अब आप कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन हमेशा कॉन्सेप्चुअल, कंक्लूजन मस्ट बी फ्यूचरिस्टिक। भाई कंक्लूजन क्या होता है? ऊपर कही बातों का सारांश और एक वे फॉरवर्ड। अब जैसे कि हम जो भूमिका लिखते हैं, वो जो निष्कर्ष लिखते हैं, वो हमेशा वर्तमान कॉन्टेक्स्ट को देखकर, व्हाट इज द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप लिखेंगे कि उदारीकरण भूमंडलीकरण के वर्तमान युग में उदारवादी विचारधारा सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा है, यद्यपि नारीवादियों और पर्यावरणवादियों ने इसे बड़ी चुनौती दी है। एक एक शब्द हम विचार का लिखते हैं। पहला गड़बड़ कहां होता है? हम बड़े बड़े सेंटेंस लिखना चाहते हैं, रॉन्ग, बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखिए, तीन तीन लाइन का सेंटेंस लिखेंगे, जैसे एग्जामिनर तीसरी लाइन में जाएगा भूल जाएगा ऊपर अपने क्या कहा है, प्रवाहवादित होगा। बड़े सेंटेंस मत लिखिए पहला। दूसरा अमूर्त मत लिखिए, मैं बार बार कहता हूं साइंस में ऑब्जेक्टिव लिखना, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं 2+2=4 ही तो करेंगे, मानविकी में 2+2=5 होता है। जो साइंस बैकग्राउंड के व्यक्ति मानविकी में आता है वो बहुत परेशान होता है, यार कहता है यार उदारवादियों ने अभी कहा था ये होगा, अभी कहा था ये होगा, ये कैसा यार, हमने साइंस पढ़ा था इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये हुआ तो होगा।
इसे मानव के विश्व में 2+2=4 होता है, 4 नहीं होता बल्कि 5 होता है। तो आपको यहां पे ये बात ध्यान में रखने का, अमूर्त मत लिखिए। मानविकी विषय जो साइंस वाले तो मूर्त लिखने के आदि होते हैं, मानविकी विषय साहित्य वाले खूब अमूर्त लिखते हैं। इसे अमूर्त इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, निष्कर्ष कैसे हुआ? अब तक के ज्ञात इतिहास में उदारवादी विचारधारा जैसे श्रेष्ठ कोई विचारधारा पैदा नहीं हुई। इसने मानवता को इतने अनगिनत मूल्य दिए जो आज तक जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, उदारवादी विचारधारा ने कितना मूल्य दिया, हमें क्या पता क्या मूल्य दिया। जिसकी कल्पना, जिसकी गणना नहीं किया, कल्पना नहीं कह सकती यार, जिसकी गणना नहीं उसे कल्पना नहीं हो सकती, क्या कहानी बता रहे हो, सिद्धांत बता रहे हो? आपने कभी बात सुनी है, कोई आपको एड्रेस बताए, भाई राम का घर श्याम के सामने है, श्याम का घर राम के सामने है, दोनों घर, सारी बात कह दी गई, आपको एड्रेस मिला नहीं। इसलिए बी ऑब्जेक्टिव वाइल राइटिंग। और इतनी बड़ी पतली रेखा होती है जो कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे, और अमूर्त पढ़ने का प्रश्न, क्या पढ़ने में अमूर्त है उसको करिए, लिखने में क्या अमूर्त है उसको पीछे करिए। जैसे गलत इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या है, अमूर्त आप लिख रहे हैं। अमूर्त का मतलब है उदारवाद ने मानवता का कायाकल्प कर दिया। हमें क्या मतलब, कायाकल्प का मतलब क्या होता है? आपके लिए काया कुछ और होगी, मेरे लिए काया कुछ और होगी, मुझे नहीं पता है। हिंदी फिल्मों में देख आपने सुना है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, किसी को और कुछ समझ में आता है, किसी को और कुछ समझ में आता है, कायाकल्प कर दिया। और जैसे अब फिर लिखेंगे उदारवाद, उदारवाद की विचारधारा के प्रति मानवता ऋणी है, ये मानवता ऋणी है, कायाकल्प कर दिया, क्या मतलब है यार हमें? वी आर मेयरली द एब्सर्ड गॉसिप। और यही आपको बचना है, कहां लिखना है। हम बार बार अमूर्त होते चले जाते हैं, भावना में बहते चले जाते हैं, भावना में नहीं बहना है। ये हमने लिखने का तरीका आपको बता दिया। अब आगे बढ़े, और कुछ पूछना हो तो बताइए फिर। किसने कहा व्यक्ति पहले आया समुदाय, पहले मुर्गी या पहले चूजा? क्या मत कर रहे हैं यार, पहले मुर्गी या पहले चूजा, पहले मुर्गी या पहले अंडा? अभी तो वही डिबेट है। आप पूछेंगे पहले व्यक्ति आया पहले समुदाय, वही डिबेट वही है, अलग अलग विचार है, अलग अलग मान्यता है। फिर हमने कहा एक बार आप उदारवाद को फिर पढ़ लीजिए, अगली विचारधारा शुरू करेंगे और उदारवाद को बार बार कंपेयर करेंगे। उसके बाद भी कभी समस्या हो तो बाद में भी आप सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते। तो अगला है सोशलिज्म, समाजवाद। अगली दूसरी विचारधारा है सोशलिज्म, समाजवाद। और किसी ने पूछा कि इनविजिबल हैंड क्या है, अदृश्य हाथ क्या है? अरे बाजारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ, क्योंकि बाजार का हाथ दिखता नहीं। और विजिबल हैंड किसका है, गवर्नमेंट का, सरकार का हाथ किसका है जो दिखता है? समाजवाद, सोशलिज्म। सोशलिज्म में पहले पढ़ना क्या क्या है वो आपको बता दें। अब ये देखिए लिबरलिज्म से हमेशा कंपेयर होगा, अब एक विचारधारा जो हम पढ़ेंगे उसे दूसरे से कंपेयर करते जाएंगे। अच्छा एक और भी आइडिया कल मैं भूल गया, उदारवाद की विचारधारा का पूरा लेक्चर यूट्यूब पे भी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, तो फिर उसके लिए क्लास अरेंज करने की आवश्यकता ही नहीं। कल मैं भूल गया था सोशलिज्म, और हमारा रिक्वेस्ट होगा कि थियरी क्लास में ऐसा कभी मत करिए, एक दिन आइए दूसरे दिन मत आइए। बी एंश्योर दैट यू शुड बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी क्लास। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए, वही सीक्वेंस है, वही चीज बार बार आएगी। तो एक बार कोशिश करिए कि बहुत अर्जेंट ना हो जाए तो। अच्छा समाजवाद में पढ़ना क्या क्या, पहला ये तो नीचे गिरा देंगे क्या, ये वाला प्रोजेक्टर क्या करे, चल नहीं रहा, खराब हो गया है, ऐसे कैसे हो सकते हैं, कल तक ठीक था आज अभी खराब, कोई पीछे है क्या?
प्रोजेक्टर नहीं चल रहा क्या, खराब हो गया है? अच्छा खराब हो गया, कल बन जाएगा। दिख रहा है कि नहीं पीछे से? नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा लिख देता हूं। अच्छा कोई बात नहीं, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। जो भी सोशलिज्म, एल आई एस एम। अब सोशलिज्म की डायमेंशन क्या है? पहला, क्या क्या हमें पढ़ना है? अच्छा हम बोल दे रहे हैं, चिंता मत करिए। बोल, सोशलिज्म का पहला डायमेंशन क्या है? समाजवाद का पहला डायमेंशन क्या है? यूटोपियन सोशलिज्म, कल्पना लोकी समाजवादी, यूटोपियन। समाजवाद का जो पहला वैरायटी है दैट इज यूटोपियन सोशलिज्म, कल्पना लोकी समाजवादी या आदर्श, कल्पना लोकी ये ठीक है, आदर्शवादी उसके लिए सही शब्द नहीं है, कल्पना लोकी समाजवादी, यूटोपियन सोशलिस्ट। सेकंड, साइंटिफिक सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट, वैज्ञानिक समाजवादी या मार्क्सवादी। वैज्ञानिक समाजवादी, साइंटिफिक सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट। अब आप ध्यान दीजिए, मार्क्स का विचार अलग है, मार्क्सवाद अलग है। तो यहां पे मार्क्स का विचार नहीं बताएंगे, यदि मार्क्स के विचार से ही मार्क्सवाद बनता है, लेकिन मार्क्स हम पूरे विचारों की बात नहीं करेंगे, बस मार्क्सवाद में उसकी मेन टेंडेंसी की बात हम कर देंगे, व्हाट इज द बेसिक टेंडेंसी। बाकी मार्क्स के विचार में उसके विचार में अलग तरीके से देखेंगे। तो मार्क्सिज्म में हम केवल देखेंगे व्हाट इज बेसिक टेंडेंसी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट। तो साइंटिफिक सोशलिज्म और मार्क्सिज्म। नेक्स्ट, एवोल्यूशनरी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, विकासवादी। विकासवादी या लोकतांत्रिक समाजवाद। विकासवादी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। इसलिए इसका मतलब है कि विकासवादी इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है एवोल्यूशनरी, क्योंकि ये मार्क्सिज्म का एक हम और शब्द का प्रयोग करते हैं, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। मार्क्सिज्म के लिए एक शब्द का और प्रयोग होता है रेवोल्यूशनरी। क्रांतिकारी समाजवाद, मार्क्सवाद के लिए इस शब्द का ही प्रयोग होता है क्रांतिकारी समाजवाद। रेवोल्यूशनरी सोशल, एवोल्यूशनरी तीसरा फ्रेज है, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कलेक्टिविज्म एक ही नाम है, कलेक्टिविज्म, समूहवाद और यूरो कम्युनिज्म। कई बार इसको कहते हैं यूरो या यूरोपी, यूरोपी साम्यवाद और यूरो कम्युनिज्म। तो नाम एक ही है, क्योंकि अलग अलग देशों में आया भाई। मार्क्सवाद का वेस्ट में जब आया तो वेस्टर्न मार्क्सिज्म, पश्चिमी मार्क्सवाद है वेस्टर्न मार्क्सिज्म। और अगला है नियो मार्क्सिज्म, नव मार्क्सवाद। अगला है नियो मार्क्सिज्म। इधर हम कुछ वैरायटीज ये भी देख लेंगे कि हाउ मार्क्सिज्म अपीयर्ड इन एशिया एंड अफ्रीका, भाई एशिया में मार्क्सवाद कैसे आया, अफ्रीका मार्क्सवाद कैसे आया, लेकिन ये हम उसके साथ ही देख लेंगे। जब ये विकास देखेंगे तो उसी के साथ वो भी देख लेंगे।
क्योंकि हमारे यहां जिस लोग जिस हमारे यहां मार्क्सवाद का प्रयोग हुआ था उसमें क्या था, यही बातें थी। अच्छा, इसमें एक और नाम लिख सकते हैं, फेबियनिज्म। इसका एक और भी नाम है, फेबियनिज्म। फेबियनवाद, फेबियनिज्म लिख सकते हैं, विकास एक ही नाम है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है, नाम केवल अलग अलग है। और अभी जानते हैं किसी भी चीज को परिभाषित करने में तब समस्या आती है जब नाम बहुत ज्यादा हो। भी किसी भी चीज को परिभाषित करने में दो समस्या है, एक तो कोई नाम ना हो, दूसरा नाम आवश्यकता से ज्यादा हो। लास्ट में नियो मार्क्सिज्म और क्रिटिकल थियरी, आलोचनात्मक सिद्धांत। क्रिटिकल थियरी और द मार्क्सिज्म ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल, मार्क्सिज्म ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। मार्क्सिज्म ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल ये मार्क्सवाद कितने प्रकार हैं? वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग और भी उसके वैरायटीज हैं, भी तो हमने कुछ लोग कहते हैं और भी, याद रखिए कुछ लोग कुछ चीजों को हमने जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि उनका महत्व तो नहीं हो सकता, नोट्स में आपके लिखा हो, गिल्ड सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म, या कई लोगों ने कहा कि अफ्रीकन सोशलिज्म, एशियन सोशलिज्म। और सही मायने में इतने सारे विचार हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, जो बेसिक चीजें हैं वो दिखाया जाता पहला। और कई बार आप देखेंगे, आप भी जानते हैं एग्जामिनर का ध्यान कहाँ होता है, हमेशा लेटेस्ट पे। एग्जामिनर का ध्यान हमेशा करंट पे होता है, इसलिए इन चीजों से पूछा जाए थोड़ा सा उनका महत्व कम हो गया है, यहां महत्व ज्यादा है क्योंकि यही दैट इज अ मार्क्सिज्म इन द 21st century 20th century। मार्क्स का विचार तो 19th century का था, मार्क्स ने जब मार्क्सवाद की बात की तो 21st century का था, तो ये बल्कि हो गया मार्क्सिज्म ऑफ 20th century, 20वीं शताब्दी का मार्क्सवाद, जिसे आप नव मार्क्सवाद, क्रिटिकल थियरी या फ्रैंकफर्ट स्कूल के रूप में जान सकते हैं। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का स्कूल था। अब बात को यहीं शुरुआत करें, जैसे कि उदारवाद के अनेक वेराइटीज हैं, वैसे मार्क्सवाद के अनेक वेराइटीज हैं। मार्क्सवाद की वेराइटीज तो बहुत ही ज्यादा है। आप एक बात याद रहे, उदारवाद के बारे में कभी ये नहीं कहा गया कि एशियन वेराइटी ऑफ उदारवाद, नो, हमने उदारवाद कभी नहीं देखा कि 19th century उदारवाद, 20th century उदारवाद। हाँ, बल्कि हमने ये बात जरूर देखी कि उदारवाद का विकास आगे बढ़ता चला गया, लेकिन मार्क्सवाद के बारे में तो बड़ा ही एक्सपेंशन है। और कई बार एग्जामिनर बड़े बेसिक सवाल पूछ लेता है, जब मार्क्सवाद के इतने रूप हैं तो क्या इसका कोई कोर एलिमेंट है या नहीं है? जैसे उदारवाद के बहुत सारे रूप तो नहीं है लेकिन बहुत सारे फेजेस आए, उदारवाद के बड़े सारे चरण आए, तो उसके बावजूद उसका उदारवाद का कोर एलिमेंट तो ही है, एक बेसिक एलिमेंट तो ही है, तो क्या ऐसा मार्क्सवाद का या समाजवाद का है? इसलिए हम, और यही बात एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीईएम जोड़, उनके एक बुक है पॉलिटिकल थियरी पे, तो सीईएम जोड़ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, उसको आप लिख लीजिए और वहीं से हम पूरा डिबेट शुरू करें। बड़ी पतली सी इनकी किताब है, सीईएम जोड, सीईएम JOAD, जोड, जोड़ नहीं जोड। तो सीईएम जोड ने क्या कहा, उनके अनुसार मार्क्सवाद एक ऐसी टोपी है, सॉरी समाजवाद ना मार्क्सवाद नहीं, समाजवाद, समाजवाद एक ऐसी टोपी है, सोशलिज्म इज लाइक अ हैट, समाजवाद एक ऐसी टोपी है
जिसका आकार बिगड़ चुका है. सोशलिज्म इज लाइक अ हैट विच हैज लॉस्ट इट्स शेप. समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका आकार बिगड़ चुका है क्योंकि इसे अनेक लोगों ने पहन लिया है. Socialism is like a hat which has lost its shape because various people have utilized it differently. क्योंकि समाजवाद के अनेक रूप हैं. Because there are multiple forms of socialism. क्योंकि समाजवाद के अनेक रूप हैं. परंतु इस विविधता के बावजूद समाजवादी विचारधारा के अनेक अवयव सभी प्रकारों में विद्यमान है. Even some core elements of socialism exist in each and every variety. इनकी मूल अवयव सभी प्रकारों में विद्यमान है. इसके बावजूद इसके मूल अवयव सभी प्रकारों में विद्यमान है. इसका मतलब है सीएम जोट ने जो बात लिखी वो पूरी तौर पे सच नहीं है. इट्स नॉट टोटली ट्रू कि समाजवाद का रूप बिगड़ चुका है. हाँ, रूप बिगड़ चुका है क्योंकि इसके प्रकार अनेक हैं. हर व्यक्ति अपने आप को समाजवादी घोषित कर देता है. और यकीन मानिए 19वीं शताब्दी तो ऐसा युग था, और या कुछ मामलों में 19वीं शताब्दी के बाद भी, कि लोग हर व्यक्ति अपने आप को समाजवादी घोषित कर देता था. ईच एंड एवरी पर्सन प्रोक्लेम दैट हियर सी अ सोशलिस्ट, वो समाजवादी है. लेकिन समाजवाद पर आने से पहले, सीएम जोट की बात को देखने से पहले, हम आपसे पूछें, समाजवादी होना ज्यादा मुश्किल है या पूंजीवादी? क्या समाजवादी? अच्छा, आप किन मूल्यों को, आपने कुछ को समाजवाद के बारे में पढ़ाई होगा, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, समाजवादी या पूंजीवादी उदारवादी? क्या बनना पसंद करेंगे? क्या शायद 21वीं शताब्दी की यंग जनरेशन से मुझे यही सुनने की अपेक्षा थी. एक बात आप याद रखिए, पूंजीवाद ने जिन मान्यताओं को आगे बढ़ा दिया, देखिए कैपिटलिज्म ने, चूंकि उदारवाद का इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, पूंजीवाद, और फिर उदारवादी विचारधारा पे आ रहे हैं. क्योंकि उदारवाद पहले आया, समाजवाद बाद में आया. उदारवादी विचारधारा का जो मेन वेरिएंट है, वो कोर है, वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. उदारवाद ने, लिबरलिज्म ने, कैपिटलिज्म ने हमें किन वैल्यूज को सिखाया? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा. याद रखिए दोस्तों, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ? कंपटीशन और कोऑपरेशन. कोऑपरेशन की बात कौन करता है? समाजवादी. दोस्तों याद रखिए, जीवन प्रतिस्पर्धा है. कई कई बार ये सोच के हैरानी हो जाती है कि आदमी कहता है बिलियनेयर है, ये करोड़पति है, अरबपति है. एक जमाना था दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्रेट था, दुनिया को जीत लिया. क्या मिला उसको? खुद भी चला गया. एक बड़ा अजीब सी बात नहीं है? हम कंपटीशन में लगे क्यों हैं? ये चूहों की दौड़ है क्या जीवन? दोस्तों जीवन जीने के लिए है. यकीन मानिए, मैं अगर कोई, कई बार मैं गांव जाता हूं, कोई आदमी मुझसे मिलता है, उसने कहा भैया मैंने कुछ जीवन में काम नहीं किया, मैं गले लग जाकर, तुमने जीवन जिया है. आज के पूंजीवादी समाज में शायद ये विचार समझ में नहीं आ पाएगा. बिस्मिल्लाह खां, सहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खां को अमेरिकी सरकार ने ऑफर दिया कि आप ऐसा है कि अमेरिका में आके यूनिवर्सिटी में सहनाई बजाना हमारे बच्चों को सिखाइए.
बिस्मिल्ला खाने का गंगा भाई है। अमेरिका ये कौन सा शर्त है? उनका नहीं, शहनाई वहीं बजेगी जहां गंगा बहेगी। अरे भाई जितना पैसा मांगे उतना हम देंगे। उनका पैसे पे आप खरीद लोगे मुझे? कितना पैसा है? वो गए नहीं, दोस्तों याद रखिए। लेकिन पूंजीवादी ने हमें क्या सिखा दिया? जीवन पैसे से खरीदा और बेचा जा सकता है। ओ माय गॉड, पूंजीवाद ने व्यक्ति को व्यक्ति रहने दिया है, बर्बाद कर दिया। एक बार सोच के देखिए दोस्तों, एक तरफ मूल्य रखिए, एक तरफ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, दूसरी तरफ कॉपरेशन। एक तरफ व्यक्ति की स्वायत्तता, दूसरी तरफ बंधुता, फ्रेटर्निटी। मानो कैसा है जो केवल ये कहे कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, हमारे कुछ काम करने से हो सकता है दूसरों को पीड़ा पहुंच रही हो। फ्रेटर्निटी, बंधुता। बंधुता का मतलब क्या है? बंधु का मतलब भाई, बंधु का मतलब भैगनी। यानी जैसा हमारा संबंध अपने भाई के साथ होता है, वैसा ही पूरे समाज के साथ होना चाहिए। क्या है? बंधुता। और अभी और जरा सोच के देखिए, समाज को समाज की रक्षा करना जरूरी है या व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखना? किसकी किसकी आवश्यकता ज्यादा है? अगर सोच के देखिए दोस्तों, जब आप बीमार होते हैं तो आप सोचते नहीं कोई हमारे पास देखने को आए? क्यों ऐसा सोचते हैं? अच्छा, बीमार होने में कोई देखने आता है तो कुछ आपको दे के चला जाता है, कुछ खून दे के चला जाता है? आप जब डिस्ट्रेस में होते हैं, आप डिस्ट्रेस में होते हैं तो वाई वी आर सर्चिंग फॉर समवन? यार कोई मुझसे मिलना है, कोई मुझे समय बहुत इस समय डिप्रेस फील कर रहा हूं। क्यों दूसरे से मिलना चाहते हैं? पैसे से क्यों डिप्रेशन दूर नहीं कर लेते? आप आफत में होते हैं, दूसरे को ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं? और आफत में नहीं, जरा सोच के देखिए हमारी सफलता का मायने क्या होगा जिसको शेयर करने वाला कोई ना हो। आप बड़े तीरंदाज बन गए और आपकी सफलता पर कोई मिठाई खाने वाला नहीं है, आपको लगेगा नहीं मैंने किया क्या इस जीवन में? समाज पहले है या व्यक्ति? फिर वही डिबेट आ गए। आप कहेंगे अरे तो समुदायवादियों ने कहा था। समुदायवादियों ने भी कहा था, लेकिन सोशलिस्ट ने जो कहा वो नहीं कहा। वो समुदायवादी, बहुसंस्कृतिवादी समाज की खोज करते हैं परिवार के नाम पे, स्कूल के नाम पे। लेकिन समाजवादी समाज की खोज में इकोनॉमी को सेंटर में रख के चलते हैं। दैट वॉज नेवर सेड बाई द कम्युनिटेरियन आर मल्टीकल्चरलिस्ट। समुदायवादियों को समुदाय की चिंता थी, तो उनके समुदाय में क्या स्कूल है, विश्वविद्यालय है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है? समाजवादियों के समुदाय में क्या है? साझा उत्पादन होना चाहिए, कलेक्टिव। और साझा उत्पादन होना चाहिए, साझा उत्पादन होता है, साझा उत्पादन होता है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, व्यक्ति की स्वायत्तता ने क्या पैदा कर दिया है? एक तरफ मकान मालिक, दूसरी तरफ मजदूर, यही व्यक्ति की स्वायत्तता का परिणाम है। पूंजीवाद ने क्या पैदा कर दिया दोस्तों? समाज क्लास में बट गया। क्लास, क्लास का मतलब क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री नहीं, समाज। इस समाज को वर्ग में किसने बांटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने। समाज वर्गों में कैसे बट गया? जरा सोच के देखिए, हमारे आपको पता है कि दिल्ली में कितने क्लास हैं? मुखर्जी नगर सी कैटेगरी की कॉलोनी है। दिल्ली में कॉलोनीज के क्लास बटे हुए हैं। अच्छा, ये मुखर्जी नगर को वही आईएएस रहता है? नहीं रहता। मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? इंडिया गेट के सामने आगे। इसका मतलब है जब ट्रेन चलती दोस्तों, माय गॉड, आई बिकेम वेरी डिसहार्टेन माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों सच पूछिए, हर जगह दिल्ली में जरा सोच के देखिए कैसे क्लास बटा हुआ है। क्लास इधर आप धीरपुरी चले जाइए, बुराडी चले जाइए, तो और भी क्लास चेंज होता जाता है। कभी सीपी में जाइए, कभी बीर बाजार में जाइए, क्लास का डिफरेंस आपको दिखेगा। और इतना ही नहीं, ट्रेन में चले जाइए, कोई एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड, उसके बाद स्लीपर, उसके बाद क्या? हमने क्या समाज बनाए दोस्तों? उदारवादियों ने, पूंजीवादियों ने दिया या बर्बाद कर दिया?
जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, एक क्लास में, और माय डियर फ्रेंड्स, क्लास यहां बैठे टीचर और स्टूडेंट, मेरे एक टीचर थे बहुत बड़े सोशलिस्ट थे वो, जब हम लोग बोलते थे सर, इसलिए कोई यहां पे स्टूडेंट बोल देता है तो मैं इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, बिकॉज वी आर इक्वल। 18 साल के बाद हर व्यक्ति समान है, उदारवादियों ने कहा तो शायद उसका मर्म नहीं समझ पाए। हमारे टीचर थे, जब हम लोग उनको बताते सर सर सर, डोंट सी सर, देर इज नो बडीज सर, और नो बडीज बॉस, और आज तो पूंजीवादी जमाने में बिग बॉस, बॉस नहीं कौन है, बिग बॉस। इसे याद रखिए, वो एक ही बात कहा करते थे, ईच एंड एवरी पर्सन इज ओनली मिस्टर और मिसेस, नथिंग एल्स। आप याद रखिए, और हमारे जमाने के लैंड लॉर्ड, लॉर्ड चला गया, लैंड लॉर्ड बाकी है। समाज कैसे क्लास में बैठा हुआ है, टीचर स्टूडेंट, लैंडलॉर्ड टीनेंट, जमींदार मजदूर। दोस्तों ये क्या हमने पैदा किया है, क्या पैदा किया है हमने, ये किसकी देन है दोस्तों? जला देंगे हम किसको, ऐसी विषमता को हटा देंगे। इसे दोस्तों समाजवादी, एक समाजवादी विचारक ने इस समाज की विषमता को कभी आपने देखा नहीं। आज को यंग हैं, उदारवादी आप विचारधारा रखते हैं, इसी जब क्लास से आप निकलते हैं तो आपको बस ये चिंता होती है कितनी बार सेल्फी, मुंह बना के सेल्फी ले रहे हो, ये क्या है यार, भगवान ने अच्छा खासा मुंह दिया है, क्यों टेढ़ा कर रहे हो। से आज के यंग जनरेशन को सेल्फी लेने की चिंता है दोस्तों, वो इस बात से इनसेंसिटिव हो गया है कि जो उसी सेल्फी लेते समय कोई बच्चा है जो कूड़े करकट को बटोर रहा है। ऐसी विषमता दोस्तों हम कब देखेंगे, कब सेंसिटिव होंगे इसी विषमताओं के प्रति। नौकरी लगे बात कभी नहीं होंगे, अगर अभी नहीं है तो। और एक बात याद रखिए, पूंजीवाद ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, हर व्यक्ति किस बात पे, उसका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए। पूंजीवाद ने ऐसा कल्चर पैदा, उसे स्मार्ट दिखिए, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखिए, अच्छा दिखिए, दो चार ठो क्रीम लगा कर रॉकेट तरह बाल एकदम खड़ा करके धंधा ना चले जाइए। एक बात आप याद रखिए दोस्तों, सवाल ये नहीं है, अब आजकल तो हम देखते हैं नया फैशन चला, लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं 80 साल में, हमें क्या कमी रह गई। एक बात याद रखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में खर्च किया गया पैसा समाज के लिए खर्च कर दिया जाता, क्या बुरा होता है क्या? दीपावली बिला वजह पटाखे छोड़े जा रहे हैं, पूंजीवाद लिविंग अ लग्जरियस वे ऑफ लाइफ। समाजवादी लोगों की दोस्तों इस समय क्राइसिस पड़ गई है, और आपको याद दिला दें, समाजवादी विचार ज्यादा नैतिक है या पूंजीवादी? और सवाल इसी विचार को हम भूल गए, लेकिन जो ये बातें कह रहे हैं, जो हम रियलाइज आज कर रहे हैं, जो हम आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे दोस्तों मानवीय की विषय पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। जिसने इंजीनियरिंग की होगी, जिसने बीकॉम किया होगा, बीबीए किया होगा, वो इस बात को समझ नहीं पाएगा समाज में विषमता कैसी बढ़ रही है। आजकल के युवा जनरेशन के, हमें बीएमडब्ल्यू चाहिए, हम कार ऐसी निकले तो अगल बगल लोग देखें, यही देखने दिखाने का तो होड़ चल गया है दोस्त, कोई देखे कोई दिखे। ये हमें कल्चर किसने दिया, कैपिटलिज्म ने, पूंजीवाद ने। जो बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, सिर्फ पहला ध्यान किसका गया, यूटोपियन का लिखने की बात। उदारवाद, पूंजीवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप शहरीकरण हुआ, दरवाजरबनाइजेशन, ड्यू टू लिबरल एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी शहरीकरण हुआ। अच्छा, उस समाजवादी विचारक ने कहा क्या था, मैंने भूल ही गया, कि लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन देखा मैंने नरको, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। इसका मतलब है ये विषम, वाह
अर्बनाइजेशन कहां से आया? वेस्ट से. इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां से आया? और एक बात याद रखिए, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी. और याद रखिए, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी ने हमें एक बात सिखा दी, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट. निजी संपत्ति ने, प्राइवेट प्रॉपर्टी ने हमें क्या सिखाया? प्रॉफिट, फायदा, मुनाफा. या अब फायदा मुनाफा होगा तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी? क्या लिखा आपने? हाँ, परिणाम स्वरूप क्या शहरीकरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई. इकोनॉमिक डिस्पेरिटी इमर्ज इन द सिटीज. शहरों में आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई. मजदूरों का जीवन पशुओं जैसा हो गया. द वर्किंग क्लास वॉज लिविंग लाइक अ स्लेव. मजदूरों का जीवन पशुओं जैसा हो गया और पूंजीवाद ने प्रतिस्पर्धा, इवन कैपिटलिज्म प्रमोटेड कॉम्पिटिशन. पूंजीवाद ने प्रतिस्पर्धा, लाभ, प्रॉफिट, लाभ अंडरलाइन, प्रतिस्पर्धा अंडरलाइन लाभ. पूंजीवादी विचारधारा ने प्रतिस्पर्धा, लाभ को अत्यधिक महत्व दिया. फॉर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट, कॉम्पिटिशन, इफिशियंसी को अत्यधिक महत्व दिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसके विरुद्ध को अत्यधिक महत्व दिया, जिसके विरुद्ध यूरोप में सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियर जिसके विरुद्ध यूरोप में सेंट साइमन रॉबर्ट ओवेन वॉज फ्रॉम ब्रिटेन, सेंट चार्ल्स फूरियर फ्रॉम फ्रांस. जिसके विरुद्ध सेंट साइमन रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियर ने आवाज उठाई. और इनके अनुसार चार्ल्स फूरियर ने आवाज उठाई और इनके अनुसार पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के कारण मानवता का पतन हो गया. इवन देर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यू टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म. पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने कारण मानवता का पतन हो गया. और अब देखेंगे भाई, मानवता का पतन क्यों हो गया? क्योंकि व्यक्ति को केवल कॉम्पिटिशन से, प्रॉफिट से मतलब रहा, वो दूसरे के दुखों से को देखकर इनसेंसिटिव हो गया, दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार नहीं था. अब उसको लगा केवल हमारा ही जीवन है, हमारी प्रतिस्पर्धा है, हमारी क्षमता है और हम मुक्त पैदा हुए हैं, अपनी पूरी क्षमता का स्वतंत्र प्रयोग करेंगे. दैट वॉज बिकेम द स्लोगन फॉर द कैपिटलिस्ट.
एक बात आप याद रखेंगे, पूंजी बाद में, अगर यानी कुल मिला के देखें तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, प्रमोशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भाई जो शक्तिशाली होगा उसी को जीवित रहने का अधिकार है, और मानवता के लिए अगर ऐसा नियम होगा तो फिर जंगल के कानून जैसा हो जाएगा। इसलिए मानवता गुण क्या होता है, जो समाजवादियों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, सो दे बिकेम सोशलिस्ट, सो दे आर नोन एज सोशलिस्ट, क्यों, क्योंकि ये समानता की बात करते हैं। कि उन्होंने मान मामला क्या बताया, प्रतिस्पर्धा की बात होनी चाहिए, समानता की बात, और समानता, इक्वालिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। भाई समानता की बात तो अरबवादियों ने बार बार की, समानता समानता, बहुसंस्कृतिवादियों ने भी कहा, समुदायवादियों ने कहा, लेकिन जो मूल मुद्दा यहां पे क्या है, समानता नहीं, व्हाट इज अ फंडामेंटल, व्हाट इज कोर, दैट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब जरा समाजवादी विचार से आप देखिए, दिल्ली में आप रहते हैं, यहां समानता है या नहीं, जात के आधार पे आपको भेदभाव कहीं महसूस नहीं हुआ होगा यहां पे, इट मे बी इन विलेज, गांव में हो सकता है, यहां कभी नहीं हुआ होगा। दूसरा, लिंग के आधार पर भेदभाव, वो भी बहुत कमी है। तीसरा, बाकी आप रेस के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। मूलतः डिस्क्रिमिनेशन का आधार क्या है, पैसा। जरा सोच के आप देख लीजिए, आज आपको यहां पे रहने के लिए कौन सा एक एलिमेंट आपके जीवन से हटा दिया जाए कि यू विल बी फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, एंड दैट इज एटीएम। यानी हमारे समाज का मूल आधार क्या है, इकोनॉमी है या नहीं है। इसे समाजवादियों के हिसाब से पहले आर्थिक समानता किसकी होनी चाहिए, पहले समानता किसकी होनी चाहिए, वोटिंग राइट देना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। दे आर नॉट अपोजिंग द वोटिंग राइट, लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उन्होंने विरोध नहीं किया, उनका ये पर्याप्त नहीं है। ये कहां से मामला बनेगा। यद्यपि बात ध्यान देने के, जब यूटोपियन सोशलिस्ट आ रहे थे तो उस समय डेमोक्रेसी थी ही नहीं, उस समय तो मेनली कैपिटलिज्म था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अर्बनाइजेशन था। तो जिस कैपिटलिज्म से ये कहा गया कि व्यक्ति को शहर में आने से व्यक्ति आजाद हो गया, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लैंड ने तो यही कहा कि वी हैव प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन, ब्रिटेन ने कहा हमने मानवता को उत्थान कर दिया, हमने मानवता की प्रगति कर दी, सबको स्वतंत्रता प्रदान कर दी, दैट वाज स्लोगन ऑफ ब्रिटेन, दैट वाज स्लोगन ऑफ ब्रिटेन। और लोगों ने यही बात स्वीकार करने शुरू कर दी, लेकिन पहली बार, मैं इनसे पहले जैसे कि बहुत सारे पोएट थे, उन लोगों ने पहली बार इन विषमताओं को स्वीकार किया, उनका हमें ये कैसा समाज हमने बना दिया कि आदमी मान पशु की तरह काम कर रहा है, वर्किंग आवर वॉज ऑलमोस्ट 18 आवर्स के 18 घंटे का आदमी काम कर रहा है, काम करने कोई परिस्थितियां बेहतर नहीं थी। इसलिए व्हाट इज अ फंडामेंटल इन सोसाइटी, दैट इज अ इकोनॉमिक इक्वालिटी। रॉबर्ट ओबेन अपने आप में खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट था, खुद उद्योगपति था, इस बात को देख के बड़ा दुखी हो गया कि भाई सारा उत्पादन तो लोग मिलकर करते हैं और गरीबों की हालत इतनी खराब है। तो रॉबर्ट ओबेन ने प्लान किया है कि उसने कहा कि हम एक समुदाय बसाएंगे जो लगभग 300 से 400 हेक्टेयर में होगा, वहां लगभग 1800 से लगभग 2000 फैमिलीज रहेंगी, और उसने एक ऐसी इंडस्ट्री बनाने का प्रयास किया जिसमें सब लोग, ये प्रावधान के सब लोग साथ खाना खाएंगे, साथ खाना खाना चाहिए, अलग अलग खाना चाहिए। अब देखिए पूंजीवादी जमाने ने हमें क्या सिखाया है, एक बार मैं कहीं रेस्टोरेंट में गया था तो आप जैसे यंग 4-5 बच्चे खा रहे थे बगल में, और खाना खाने के बाद उनमें से ये हो रहा है, आपस में चर्चा हो रही, बिल कौन देगा। तो उन्होंने कहा चलो लेट्स पे इन अमेरिकन स्टाइल। मेरा ध्यान उधर किसका, अमेरिका का नाम जैसे आया, मैं पॉलिटी वाई आर का मैं स्टूडेंट हूं तो ऑब्जर्व करने का आदत तो है। तो उसने कहा अमेरिकन स्टाइल में, कहा ये यंगस्टर्स पेमेंट अमेरिकन स्टाइल पेमेंट अभी तो मैंने सुना नहीं, होता क्या। उसने क्या किया, देखे भाई इतना बिल आया है, सबका शेयर लगा, 5 लोग का शेयर ही है, पैसा दो। सब बच्चों ने पैसा दिया और फिर उसका पेमेंट हो गया। कैपिटलिज्म ने ऐसा सिखाया। ये पूंजीवाद कॉपरेशन है। अब सवाल है जिसके पास पैसा नहीं है उसे खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, पैसा नहीं है उसको खिला देना, दैट इज सोशलिज्म। जिसको पैसा उसे खिला देना, दैट इज ए कैपिटलिज्म। और इन लोगों ने क्या किया, एक शहर बनाया, एक समूह बनाया, उसमें क्या कहा, सब लोगों के घर एक जैसे होंगे, सब लोग साथ में डिनर करेंगे, साथ रहेंगे, उसके बाद फिर इंटरटेनमेंट होगा, साथ में मनोरंजन कार्यक्रम होगा, और इसमें एक ऐसा समाज होगा जिसमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, जलसी नहीं होगी,
पूंजी वाद ने हमें क्या सिखाया, या तो हमें डिफ्रस्ट्रेशन सिखाया, या जेलसी सिखाई, या कॉम्पिटिशन सिखाया। जब कॉम्पिटिशन में हम थोड़ा सा पीछे उड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, तब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ना ना ये दुनिया, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, दुनिया बड़ी बेकार है लोग। या कोई व्यक्ति अमीर हो गया तो उसे हम जलने लगेंगे, यार ये बहुत काला धंधा करता है, बहुत बेकार आदमी है। हमें पूंजीवाद ने यही तो सिखाया, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। अब दूसरे का मोबाइल कोई बहुत अच्छा है तो हमारे अपने मोबाइल से दुख दुख नहीं हुआ, जैसे हमने बगल का मोबाइल देखा, यार मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं, देखो यार मैं जिस कार में बैठकर चल रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, बगल वाली कार अगर हमारे से गुजर गई, वाह ओ माय गॉड। एक बात याद रखिए, इसे गांधी बाबा ने क्या कहा था, गांधी बाबा वॉज ट्रूली सोशलिस्ट। गांधी ने कहा था हमेशा हमें किसको देखना चाहिए, अपने से नीचे को। यानी इन्होंने क्या किया, अभी यूटोपियन कैसे थे, अगला पॉइंट, रॉबर्ट ओबेन ने एक ऐसे समुदाय के निर्माण का प्रयास किया। देखिए समुदाय, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी। रॉबर्ट ओबेन ने एक ऐसे समुदाय के निर्माण का प्रयास किया जो बंधुता, प्रेम, सहयोग पर आधारित होगा। रॉबर्ट ओबेन ट्राई टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी विच विल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, फ्रेटर्निटी। रॉबर्ट ओबेन ने एक ऐसे समुदाय के निर्माण का प्रयास किया जो बंधुता, सहयोग पर आधारित होगा। जिसमें प्रेम होगा, विच इज बेस्ड ऑन लव। अब जरा सोच के देखिए, अगर मुख ऐसा है हमारे हमारे यहां जहां पे हम लोग होते हैं, ऐसा है जो हो जाए कि जितने भी एरिया का 2-3 हजार लोग रहते हैं सबका कॉमन किचन हो जाए, एक बात आप देखेंगे, इसलिए हॉस्टल में फ्रेटर्निटी ज्यादा होती है, क्यों, साथ खाना खाते हैं, साथ कॉमन रूम में साथ बैठते हैं, और लगभग इकोनॉमिक कंडीशन भी साथ ही रहती है। ये थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे अलग अपार्टमेंट में रहने से फ्रेटर्निटी बढ़ती है या हॉस्टल में रहने से, दिस इज सोसाइटी। तो समाजवादियों के हिसाब से सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट, और रॉबर्ट ओबेन ने बसाने का तो प्रयास किया। उनका कि मानव जीवन का पतन क्यों हो गया, क्योंकि स्वार्थी हो गया है वो, और स्वार्थी हो नहीं गया है, बल्कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उदारवादी ये मानते हैं कि ह्यूमन बींग आर रेशनल, मानव तार्किक है, ऐसा उदारवादियों की मान्यता है। समाजवादी भी मानते हैं कि व्यक्ति तार्किक है, लेकिन इसे कुछ मान्यताएं समाजवादी उदारवादियों के एक ही है, और दूसरा ये समाजवादी उद्योगों के विरोधी नहीं है, तकनीक के विरोधी नहीं है, तो ये तो बात पूंजीवादी मानते हैं, लेकिन उस तकनीक उद्योग पर कुछ लोगों का नियंत्रण हो इसके खिलाफ है। उदारवादियों ने कहा कि मानव तार्किक है लेकिन अपने हित की बात करता है, इट मीन्स इंडिविजुअल वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। और दूसरा उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी किस्म का है, इसका मतलब लिबरल्स ऑलवेज पिक्चर्ड द ह्यूमन नेचर इन अ बैड वे। लेकिन अगर इनसे पूछा, समाजवादियों से पूछा गया, भाई ये बताओ आप कह रहे हो मानवता में प्रेम होगा, बंधुत्व होगा, और रॉबर्ट ओबेन ने पूरा ऐसा सोसाइटी बिछा दी जहां पर लोग साथ काम करते थे, मालिक मजदूर का वो डिफरेंस नहीं बचा, साथ में लोग डिनर करते थे, साथ में एंटरटेनमेंट होता था। लेकिन जब इनसे पूछा गया कुछ मानव में अगर स्वार्थ की प्रवृत्ति है तो कैसे आई, उनका ये मानव का स्वभाव नहीं है, दिस बिकेम ड्यू टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी अगर मानव लालची हो गया तो उसका मूल स्वभाव है परिस्थितियों ने पैदा किया, इवन कंडीशंस आर सोशल सर्कमस्टांसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द ह्यूमन बींग, दैट सोशल सर्कमस्टांसेस क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर। और अगर ये सोशल सर्कमस्टांसेस बदल जाएंगे तो मामला बदल जाएगा, लेकिन रॉबर्ट ओबेन इस प्रयोग में सफल नहीं हो पाए। समुदाय तो बना दिया, इस प्रयोग में सफल नहीं हो पाए। इसे वो हॉस्टल में रहते, हॉस्टल में एक एक से खुराफाती लड़के रहते थे, लेकिन समाजवाद उदारवाद के बीच इस मामले में बहुत डिफरेंस है।
उदारवादी मानता है, लिबरल्स बिलीव दैट ह्यूमन नेचर इज बैड और ह्यूमन नेचर इज ईगोइस्ट, केवल अपनी भलाई की बात करता, स्वार्थी है आदमी। समाजवादी कहते नहीं, सोशलिस्ट ऑलवेज सेज दैट द ह्यूमन नेचर इज गुड मॉरल। इसका मतलब इनमें विश्वास क्या था कि मानव स्वभाव में जो विकृतियां पैदा हुई हैं उसको हम शिक्षा व्यवस्था दे देंगे, नैतिकता की शिक्षा देंगे, धर्म की बात करेंगे, उसमें परिष्कार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ हो दिखा नहीं। दूसरा पॉइंट, सेंट साइमन ने यह कहा कि वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा और वैज्ञानिक तकनीक से, बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, वैज्ञानिक आविष्कारों और वैज्ञानिक तकनीक से समाज में विद्यमान समानता विषमता का उन्मूलन किया जा सकता है। द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी कैन बी इरेडिकेटेड थ्रू साइंटिफिक मीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। समाज में विद्यमान विषमता का उन्मूलन किया जा सकता है। चार्ल्स फूरियर ने भी आर्थिक समानता की स्थापना के लिए फेलांग्स की स्थापना की। फेलांग्स का मतलब फ्रेंच भाषा का शब्द है समुदाय। चार्ल्स फूरियर ने भी आर्थिक समानता की स्थापना के लिए फेलांग्स का निर्माण किया। चार्ल्स PHALANX, फेलांग्स का मतलब गांव है, समुदाय है। इवन फॉर चार्ल्स फूरियर फेलांग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी। आर्थिक समानता के लिए फेलांग्स में उन्होंने क्या किया, फिर वो एक आदर्शवादी समाज बनाया, लोगों को साथ रखा। ये हुआ कि बंधुता रहेगी, इसमें स्नेह रहेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव रहेगा। तो इनका मूल देखिए, अगर पूरे सोशलिस्ट की बात देखेंगे, व्हाई देयर सोशलिस्ट, भाई वो समाजवादी क्यों है, क्योंकि समाज में आर्थिक विषमता खत्म करना चाहते हैं, दे आर अपोजिंग द कैपिटलिज्म, और वो बंधुता बढ़ाना चाहते हैं, सहयोग लाना चाहते हैं और उत्पादन के साधन पर समुदाय का नियंत्रण करना चाहते हैं। इसे आप याद रखिए, समाजवादी लिखने की बात। देयरफॉर यूटोपियंस सोशलिस्ट, कल्पना लोकी समाजवादी, समाजवादी हैं क्योंकि संपत्ति पर समुदाय के नियंत्रण के समर्थक हैं। They wants the community's control over the property. क्योंकि वो संपत्ति पर समुदाय के नियंत्रण के समर्थक है। और फिर आप देखेंगे, अच्छा उदारवादी क्या मानते हैं, संपत्ति पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति का। बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। उदारवादी मानते हैं कि प्रॉपर्टी इज एन आउटकम ऑफ आवर कैपेबिलिटी, क्योंकि हमेशा ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो वो हमेशा मानते हैं कि व्यक्ति की क्षमता
व्यक्ति का महत्व। समाजवादी ऐसा नहीं मानते, फॉर सोशलिस्ट प्रोडक्शन इज अ कोऑपरेटिव, विदाउट कम्युनिटी वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग। समाज में जो भी चीजें होती है उसमें समुदाय का योगदान है। अब सवाल यह है, समाजवादी तो यह है कि वो समानता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, ये संपत्ति की विषमता खत्म करने की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं, यही समाजवादी होने के फीचर्स हैं। लेकिन सवाल है कि इन्हें कल्पना लोकी क्यों कहा गया? तो अगला पॉइंट, यूरोप में समाजवाद का आरंभ यूरोप में समाजवाद का आरंभ इन्हीं विचारकों के द्वारा किया गया। द ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द स्कॉलर्स इन यूरोप, लेकिन मार्क्स ने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लेकिन मार्क्स ने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्हें कल्पना लोकी कहा। बट फॉर मार्क्स दे वेयर द यूटोपियन सोशलिस्ट। मार्क्स ने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्हें कल्पना लोकी कहा। अब मार्क्स ने कल्पना लोकी क्यों कहा, कारण आगे आपको बता देंगे। इन्हें समाजवाद की शुरुआत यहां से हुई। इसे हम कह सकते हैं कि समाजवाद का आरंभ या दैट इज एन यूटोपियन सोशलिज्म। अब अगर कल्पना लोकी समाजवादी है तो सवाल है कल्पना लोकी क्यों कहा गया। अब कल्पना लोपी का मतलब ये होता है, देखिए, देयर आइडियाज इज मोर मॉरल देन साइंटिफिक। एक एक आपको याद दिला दें, समाज में विषमता को देखकर नैतिक रूप में दुखी हो जाना अलग बात होती है। जैसे कई बार हम नैतिक रूप में दुखी हो जाते हैं, कोई व्यक्ति गरीब है, वो काम कर रहा है, नैतिक रूप में बहुत कोई बूढ़ा है, नहीं चल पा रहा है, तो मॉरली वी आर वेरी अपसेट, कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है, हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। तो सवाल ये है, दुखी होना पर्याप्त है, उसकी स्थिति में सुधार करना आवश्यक है? पहले तो हमें सुधार करना चाहिए, एंड वो इन्होंने किया नहीं। तो मार्क्स ने कहा कि दे आर शेडिंग ए क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कैसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। अच्छा, आप देखें, युवावस्था में ऐसे भी कल्पनाएं खूब आती हैं। आप कैसी कल्पना आती होगी, बस एक बार मैं अधिकारी बन जाता, उसके बाद तो मैं समाजवाद, सबकी संपत्ति समान बना देता, दैट इज मोर आइडिया ऑफ यूटोपियन। एक बार मैं अधिकारी हो जाता, देखो फिर पेरेंट्स के लिए मैं लंदन में पहले घर बनवाता, अपनी प्रेमिका को ताजमहल गिफ्ट कर देता, वो तो शादी के बाद पता चलेगा ताजमहल गिफ्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यूटोपियन, कई बार यूटोपियन का मतलब कल्पना का विचार। अच्छा, विचारों में होना और जमीन पर होना दोनों बातों में फर्क तो है। यूटोपिया का मतलब है विच डजंट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जो जमीन पे स्थित ना हो, जो विचारों की दुनिया में हो, फैंसी या फ्लाइट। अच्छा, विचारों की दुनिया में खूब अपमान मारते हैं कि नहीं, ऐसा होगा हमारे पास, ऐसा मकान होगा, ऐसी कार होगी। तो सवाल है फिर मार्क्स ने क्या कहा, तो हेडिंग चेंज हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद। साइंटिफिक सोशलिज्म और मार्क्सिज्म और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो भी आप इसे कह लीजिए, और कहा भी जाता है कि मार्क्स, अच्छा भी याद रखिए, समाजवादी विचार प्रगतिशील है या उदारवादी,
Which idea is more progressive? क्या? Oh my God, उदारवादी? अरे मेरे दोस्तों, समाजवाद से प्रगतिशील का मतलब है, प्रगतिशील का मतलब है प्रोग्रेसिव, जो समाज के लिए फायदेमंद हो, समाज के लाभकारी हो. समाजवाद से ज्यादा उदारवाद कैसे प्रगतिशील होगा? उदारवाद प्रगतिशील होगा इन कंपैरिजन टू फ्यूडलिज्म. सामंतवाद की तुलना में उदारवाद प्रगतिशील कहलाएगा. धार्मिक कट्टरता के कंपैरिजन में उदारवाद प्रगतिशील होगा. उदारवाद की तुलना में प्रगतिशील कौन होगा? समाजवाद. विचारधाराएं फिर दो होती हैं, एक यथास्थितिवादी, दूसरा परिवर्तनवादी. मार्क्सिज्म परिवर्तनवादी है या यथास्थितिवादी है? दूसरा, विचारधाराएं फिर दो होती हैं, एक रिफॉर्मिस्ट, दूसरा रेडिकल. इट इज रिफॉर्मिस्ट और रेडिकल, दो शब्द, रिफॉर्मिस्ट दूसरा है रेडिकल. देखिए, रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर रिफॉर्मिस्ट होता है, डॉक्टर रिफॉर्मिस्ट है. आपके पास अगर कोई समस्या होगी, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, कोई भी उसे एक एक मेडिसिन दे देगा और खा लीजिए समस्या का समाधान. फिर आप कहेंगे, मान लीजिए दांत के लिए कोई प्रॉब्लम में गए, दांत की दवा दे देगा. आप कहेंगे आंख को हो जाए, वो कहेगा फिर आ जाना, दूसरे डॉक्टर का नंबर लिख देगा. इट इज रिफॉर्मिस्ट. रेडिकल का मतलब है कोई व्यक्ति कह दे कि दांत ही उखाड़ दो, न रहेगी दांत न होगा दर्द, रेडिकल. इसलिए याद रखिए, रिफॉर्मिस्ट क्या है? गरीबी है तो किसी को टॉयलेट बनवा दो यार, गरीब टॉयलेट बनवा दो, थोड़ा सा पेंशन दे दो, भत्ता, ये रिफॉर्मिस्ट. रेडिकल है अगर गरीबी है तो जिनके पास खेत है छीन के सभी लोगों में बांट दो. इस समाज में दो प्रकार का आइडिया होता है, इसलिए कुछ लोग सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट है, रिफॉर्म किसमें? कैपिटलिज्म में. और कुछ लोग रेडिकल है. रेडिकल का मतलब है दे वॉन्ट टू एबोलिश द कैपिटलिज्म. वो पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं, पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं. इसलिए और मार्क्स, दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए जीवन में कहां से प्रेरणा ली जा सकती है. दोस्तों एग्जांपल आपको बता दें, हाउ यू कैन गेट वेरियस इंस्पिरेशन फ्रॉम द, इसे मान लीजिए इसके पहले कभी आपको असफलता मिल गई, तो कई बार हम असफलताओं से बड़ी याद कर घबराते रहते हैं. वेंकैया नायडू ने कल DU में कन्वोकेशन में स्पीच दिया, उन्होंने कहा मैं सोचता था कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ूं, उन्होंने कहा था मैं BHU या DU में पढ़ना चाहता था, दोनों मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इसका चांसलर बन जाऊंगा. वाइस प्रेसिडेंट ने चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोच के देखिए. तो अब हमें क्या प्रॉब्लम कई बार कब कब होती है, जब हम अभी वर्तमान तैयारी करते हैं, पिछली बात हमें याद आती है, यार वो एग्जाम दिए थे उसमें ऐसा हो गया था, उस एग्जाम में फेल हो रहे हो. क्यों? क्योंकि भगवान आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं. बिलाव जो डिप्रेस होके बैठे हो, फेल हो गए, फेल हो गए. दोस्तों ये बेहद कैसे जीवन में निराश मत होइए, मेहनत करेंगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है. ये वास्तविकता है. मार्क्स के साथ भी ऐसा हुआ था. मार्क्स भी जुगाड़ में था यार, कुछ नौकरी कोई मिल जाए, मिला नहीं उसको. अपने व्यक्तिगत जीवन बड़ा गरीब आदमी था मार्क्स. लेकिन एक बात है, देखो जो आदमी क्रिटिकल होता है वो गरीबी है मेरी वो सब की चिंता कर, रेडिकल नहीं. तो देखो मध्यम वर्ग आदमी क्या है, रिफॉर्मिस्ट आदमी क्या है? 25 साल का हुआ शादी कर लिया, 35 साल के बाद दो बच्चे पैदा कर लिए, 40 साल घर बनवा लिया, उसके बाद नाती पोता लेकर खिला रहा है, वो क्या रिफॉर्मिस्ट. रेडिकल क्या है? बाबा रामदेव रेडिकल. शादी ना करना क्या है? रेडिकल. और अनूप जलोटा इज ऑल्सो रेडिकल. देर आर वेरियस काइंड ऑफ रेडिकल पीपल. इसलिए आप देखिए मध्यम मार्गी, उदारवाद इज ए फिलोसफी ऑफ मिडिल पाथ. उदारवाद हमेशा बीच बीच में चलता है, मार्क्सवाद हमेशा रेडिकल. मार्क्सिज्म इज रेडिकल. ये नहीं धीरे धीरे बातें, होल्ले होल्ले नहीं. उदारवादी किस परिवर्तन की बात करता है? होल्ले होल्ले नहीं, होल्ले होल्ले नहीं. अब साइंटिफिक मार्क्स, आपको बता दें कि मार्क्स अपने जीवन में बड़ी गरीबी का सामना उसने किया. अब जब वो गरीबी का हालत तो ये था, उसकी प्रेमिका थी जेनी, और वो जेनी से शादी करना चाहता था. जब जेनी से शादी करने के लिए जेनी के पिता के पास गया, तो जेनी के पिता ने कहा फुक्कड़ ये बताओ तुम्हारे पास है क्या?
अपने खाने का जुगाड़ नहीं है, तुम शादी करना चाहते हो, उसने कहा पहले मैं दुनिया बदलूंगा, गजा पहले दुनिया बदल गया ना फिर शादी करना। और रेडिकल आदमी तो ऐसे ही होता है। मार्क्स की माने स्वयं लिखा करे मेरे पुत्र, मार्क्स ने बड़ी फेमस राइटिंग लिखी दास कैपिटल, मार्क्स ही मान लिखा करे तू दास कैपिटल लिखने के बजाय कैपिटल कमाया होता मैं ज्यादा खुश होती। याद रखिए दोस्तों, जो दुनिया में इतना, और मार्क्स सोचा करता था कि नौकरी मिल जाए, मार्क्स को अगर नौकरी मिल गई होती तो आज मार्क्स को हम पढ़ नहीं रहे होते। और एक बात याद रखिए दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे विचारक पैदा हुए, एक विचारक जितना इसका वाइड इंपैक्ट पूरी दुनिया पर है वो मार्क्स है, इतना ज्यादा दुनिया में शायद ही किसी व्यक्ति ने प्रभावित किया हो दुनिया को। तो स्वाभाविक रूप में रेडिकल बात करेगा। तो मार्क्स ने क्या कहा कि जो अभी हमारे समाजवादी भाई थे ये बात तो ठीक कर रहे थे, समता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, लेकिन इनकी सारी बातें क्या थी, ख्याली पुलाव था। इसे मार्क्सवाद का बेसिक एलिमेंट क्या, बस हम ये फिर आई वॉन्ट क्लैरिफाई दैट कि मार्क्स का थॉट हम अलग पढ़ेंगे, हम केवल हम मार्क्स की बेसिक टेंडेंसी पढ़ेंगे, थे मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, मार्क्स थॉट को नहीं पढ़ेंगे, जब आधार तो वहीं से आता है। तो मार्क्स के थॉट का पहला लक्षण क्या है, पहला साइंटिफिक सोशलिज्म की पहली बात क्या है, पूंजीवाद का विध्वंस, नॉट रिफॉर्म, इसे रेडिकल कहा जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स की पहली मान्यता क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का विनाश। एक फिर लिबरल से कंपेयर करिए, उदारवादी क्या करता है भाई, यही तो बात मिलने कही आपने को, जो मॉडर्न लिबरलिज्म आया, आधुनिक उदारवाद ने क्या किया, जिसे हॉब हाउस ने कहा था सोशल लिबरलिज्म। आप याद रखिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था, पूंजीवाद को मानवीय रूप देने का प्रयास था। इवन वेलफेयर स्टेट ट्राई टू इवन सेड दैट कैपिटलिज्म कैन बी ह्यूमैनिटेरियन, या पूंजीवाद पूरे समाज की भलाई के लिए काम कर सकता है, दैट इज अ नोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। यही तो बात थी, पूंजीवाद में थोड़े परिवर्तन कर दिए गए और यह कहा गया पूंजीवाद पूरे समाज की भलाई के लिए काम करेगा। इसे आप याद रखेंगे, कल्याणकारी राज्य भी पूरे समाज की भलाई की बात करता है, मार्क्स तो करता ही है, दोनों बहुत बेसिक डिफरेंस है। लिबरल्स ऑलवेज वॉन्ट टू कीप एन इंटैक्ट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसमें थोड़े थोड़े चेंज करते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा इधर हथौड़ा मार दो, थोड़ा रिपेयर कर दो, रिपेयर कर दो या आग लगा दो, डिस्ट्रॉय कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो दोस्तों, नेस्तो नाबूद, बचना नहीं चाहिए इसका। इसलिए अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म करेंगे तो सवाल है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म होगा कैसे। अगला पूंजीवाद का विनाश कैसे होगा, थ्रू क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष के द्वारा होगा। पूंजीवाद का विनाश कैसे होगा, वर्ग संघर्ष के द्वारा होगा, क्लास स्ट्रगल। क्लास क्या है, मार्क्स ने कहा समाज में केवल और केवल दो क्लास हैं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, देयर इज ओनली टू एंड टू क्लास एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो दो क्लास हैं, एक है कैपिटलिस्ट और बुर्जुआजी, और दूसरा है वर्किंग क्लास और प्रोलेटेरिएट, दूसरा है वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास और प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग। तो समाज में दो ही वर्ग हैं, जरा ध्यान दीजिए,
क्लास कम्युनिटी है कि नहीं है, और फिर आपको समाजवाद और कम्युनिटेरियनिज्म में फर्क बता दें, क्लास कम्युनिटी है कि नहीं है, क्लास कम्युनिटी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए भाई, अगर मजदूर एक साथ आ रहे हैं कम्युनिटी ही तो है, लेकिन दैट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी। समाजवादी भी कम्युनिटी की बात करते हैं, बट देयर कम्युनिटी इज फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सॉलिडरिटी। भाई क्लास क्या है, जिनके आर्थिक हित एक जैसे हैं वो एक क्लास के हैं, जिनके आर्थिक हित अलग हैं वो अलग क्लास के हैं। बात सीधे शब्दों में कहा जाए, मकान मालिक और आपके बीच में प्यार है क्या? कौन कर रहा है? कौन पूंजीवादी है यहां पे? याद रखिए, मकान मालिक और किराएदार के बीच में प्यार नहीं हो सकता। बस अगर इसको टेस्ट करना तो एक महीने किराया मत दीजिए, अपने आप आपको इंटेंसिटी पता चल जाएगी प्यार की इंटेंसिटी कितनी है। दूसरा एक बात याद रखिए, मजदूरों और मालिक में प्यार होता है नहीं। एक खास बात याद रखिए, मार्क्स नेवर बिलीव इन वर्ल्ड लाइक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, साथ साथ रहेंगे, शांतिपूर्ण रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट क्या है, जोंक है, जोंक। ये क्या करता है, खून चूसता है। इसलिए आप देखेंगे, अच्छा देखिए मजदूर दोस्तों, अब किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो क्या कहेगा, यू आर एनेमिक, आप में खून कम है। तो अच्छा उसे उपाय बताओ, खून कम करने का उपाय क्या होगा, कहेगा ये विटामिन ये ले लो, ये विटामिन ये ले लो, ये विटामिन ये ले लो। खून तो पूंजीपतियों ने चूस रखा है दोस्तों, विटामिन से कहां दूध होगा। हु इज अ डॉक्टर इज ऑल्सो कैपिटलिस्ट, जो समस्या का सही समाधान नहीं बताता। इसलिए आप देख लीजिए दोस्तों, जितने पूंजीपति लोग हैं, कोई काम करते हैं क्या? विजय माल्या देखिए क्या है इसकी जीवन जी, ओ माय गॉड, लाइफ लाइफ। विजय माल्या का चेहरा देखिए चमकता रहता था, मजदूर का चेहरा दोस्तों देखिए, वो तोड़ती पत्थर, किसी शायर कवि ने लिखा है तोड़ती पत्थर। दोस्तों जो भी रास्ते में है, जमीन खोद रहा है, उसकी शरीर देखिए, और मेरठ स्वीट हाउस पर बैठे हलवाई की तस्वीर देखिए। हु इज अ कैपिटलिस्ट? अब आप कहेंगे इनमें संबंध होगा, इसमें फ्रेटर्निटी होगी, कोऑपरेशन होगा, कोई हमारा खून चूसे जा रहा है और हम क्या कहो, हां भाई कोई बात नहीं है, हम इसको देख लेंगे, साथ साथ रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। इसलिए वर्किंग क्लास इकट्ठा होगा और इनको खात्मा कर देगा दोस्तों, इनको खात्मा कर देगा। और इनको खात्मा नहीं करेगा, इनकी सारी इंडस्ट्रीज पर नियंत्रण किसका होगा, सर्वहारा का। इसे आप याद रखिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य क्या देता है, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप लिया है, अब आप क्लास से जाए, दोपहर में भूख लगी है और आप किसके पे भूख लगी है, मैं क्या ले लो लॉलीपॉप ले लो, लॉलीपॉप से भूख शांत होगी। आप याद रखिए, याद रखिए, अब दीपावली आए तो वो सारी दीपावली पे क्या कैपिटलिस्ट ने क्या किया, बोनस ले लो, थोड़ा वेतन भत्ता बढ़ा लो। जब मजदूर के बेस स्ट्राइक करते हैं तो 100 रुपए बढ़ गया, हम कह लो 100 रुपए बढ़ा लो। हमें रिलायंस कंपनी में 100 रुपए चाहिए या पूरी कंपनी पर मालिकाना हक चाहिए? पूरी कंपनी का मालिक कौन? वर्किंग क्लास। अब बताइए दुनिया का निर्माण किसने किया, भवन, कंपनी, फैक्ट्री, खान किसने बनाया? और सबसे गरीब कौन है, दुनिया का निर्माता कौन है? और हमें अभी तक पूंजीपतियों ने क्या है, दुनिया का निर्माता भगवान है, सबसे बड़ा मिथ। भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने पहाड़ बनाया, ये बताइए शहर को किसने बनाया, मजदूरों ने। और जिसने घर बनाया उसी के लिए घर नहीं है दोस्तों, ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, आत्मा विहीन लोगों की आत्मा। भगवान क्या है, अफीम खाए हुए व्यक्ति का नशीला पदार्थ। इवन रिलीजन इज लाइक एन ओपियम, गॉड इज लाइक एन ओपियम। अच्छा कभी आपने नशीला पदार्थ खाया है? नशीला पदार्थ में जो चीज नहीं लगती वो देखने लगती है, नशीले पदार्थ की विशेषता ये होती है। और आपको याद रखिए, वर्तमान भारतीय राज्य कल्याणकारी है या
शोषक है। क्या है? माओवादियों से पूछिए, माओवादी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, कैपिटलिस्ट क्लास क्या करता है, ये जानता है कि इनका शोषण करता है, तो कैपिटलिस्ट क्लास जानता है कि इनकी संख्या ज्यादा है, इसे कैपिटलिस्ट क्लास इन पर शोषण बनाए रखने तमाम तरीके अपना लेता है। धर्म बना देगा, तत्काल तमाम धार्मिक उत्सव कर देगा, उसके बाद लोकतंत्र बना देगा, संविधान बना देगा, अधिकार बना देगा। ये राज्य किसके हाथों की कठपुतली है? ये आपका राज्य है, आपने बनाया, या पूंजीपतियों ने बनाया? ये आपके लिए काम करती है या पूंजीपतियों के लिए? अब याद रखिए दोस्तों, ये राज्य क्या है? पूंजीपतियों का एजेंट। और मैं ये नहीं कहूंगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसके एजेंट हैं, पूंजीपतियों के। अब बताइए, ये काम करेंगे किसके लिए करेंगे? मैं ये काम करेंगे किसके लिए करेंगे? इसलिए आप याद रखिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य के समर्थक क्या करते थे? राज्य कल्याण कर देगा, राज्य कल्याण कर देगा। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? कल्याण कर देगा, लेकिन किसका? इसलिए आप याद रखिए, श्रमिकों का कल्याण न किया है न कर सकता है, न किया है न कर सकता है। इसलिए अगर पूंजीवाद को आप तोड़ देंगे, पूंजीवाद टूटेगा या क्लास टूटेगा? पूंजीवाद नहीं टूटेगा बल्कि क्लास टूटेगा। क्लास टूटेगा या राज्य टूटेगा? राज्य टूटेगा, सरकार टूटेगी? सरकार टूटेगी या संविधान टूटेगा? संविधान को तोड़ फोड़ देना है दोस्तों, ऐसा मेरा कहना नहीं है, मार्क्स का कहना है। देखिए, अब किसी विचार के लिए मुझे दोस्त मत दे भाई, मुझे सब विचार बताने पड़ते हैं। इसे सवाल यह है दोस्तों, आप किधर हैं, इधर हैं या इधर हैं? आप किधर हैं? वर्किंग क्लास में है तो क्लास कर रहे हैं या क्लास तोड़ेंगे? क्लास तोड़ेंगे तो किसके साथ जाएंगे? बारबारा राव विद्रोही है, स्वतंत्रता सेनानी है? विद्रोही है या मार्क्सवादी है? बारबारा राव कहानी पे सुने, बारबारा राव खिलाफ केस है देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का। बारबारा राव मार्क्सिस्ट के हिसाब से क्या है? क्रांतिकारी। आपको क्या बनना है? सिविल सेवक नहीं, क्या बनना है? क्रांतिकारी। और क्रांतिकारी बन के हम दुनिया को बदल देंगे दोस्तों, दुनिया को बदल देंगे। मजाक में थोड़ी कर रहा हूं दोस्तों, हमारी बात आपको यकीन नहीं आ रहा है? यही पूंजीवाद का चढ़ता प्रभाव है दोस्तों, इसी पूंजीवाद के प्रभाव को हमें निकालना है। क्यों? पूंजीवाद ने ऐसा षड्यंत्र कर रखा है, मंदिर बना रखा है, पूंजीवाद ने बड़ा षड्यंत्र कर रखा है आपको डाइवर्ट करने के लिए। इसलिए आंख के सामने का पर्दा उठाइए और शोषण के सही कारण को देखिए। शोषण का सही कारण क्या है? हमारी गरीबी का मूल कारण क्या है? पूर्व जन्म के कर्म नहीं, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। और गरीबी का उत्थान कैसे होगा? राज्य से नहीं, कैसे? संघर्ष से, क्लास स्ट्रगल से। आप कहें क्लास स्ट्रगल या थोड़ा वायलेंस भी, जरूरत पड़े तो वायलेंस भी, जरूरत पड़े तो वायलेंस भी। क्योंकि जो भाई हमारे जैसे शोषण कर रहा है, जो हमारे श्रम का फायदा खा रहा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। लेकिन मार्क्स ने कहा, अब देखो पूंजीवाद का विनाश कैसे होगा। ही स्पीक्स लाइक ए साइंटिस्ट। मार्क्स ने एक ही क्रम बता दिया, हाउ कैपिटलिज्म इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, पूंजीवाद का विनाश कैसे होगा। पहला उसने पहला कहा, हाउ कैपिटलिज्म विल बी डिस्ट्रॉयड। तो क्योंकि वैज्ञानिक की तरह बात करता है, क्योंकि साइंटिस्ट ऑलवेज स्पीक इन टर्म्स ऑफ कॉजल रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट। वैज्ञानिक तो हमेशा परिणाम कार्य की बात करता है, परिणाम की बात करता है। तो अगर मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद का विनाश कैसे होगा, तो पहला कैपिटलिज्म के बढ़ने के साथ
with the growing capitalism, with the gradual development of capitalism, या पूंजीवाद के बढ़ने के साथ वर्किंग क्लास या सर्वहारा की स्थिति खराब होगी. पूंजीवाद के बढ़ने के साथ सर्वहारा की स्थिति खराब होगी. The position of proletariat will be declined with the advancement of capitalism. पूंजीवाद के बढ़ने के साथ सर्वहारा की स्थिति खराब होगी. जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता जाएगा सर्वहारा, क्योंकि पूंजीवाद क्या करता है, कैपिटलिस्ट ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लेने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, कम से कम मजदूरी दीजिए. जबकि पूंजीवादी सारा पूंजी पूंजीपति कभी काम करता है, आपने देखा होगा पूंजीपति कभी नहीं काम नहीं करता, फायदा किसका ले जाता है, काम करने वालों का, वो सारा सर्वहारा का पैसा ले जाता है. इसे जहां जहां पूंजीवाद बढ़ेगा निश्चित तौर पर सर्वहारा की स्थिति खराब होगी. क्यों सर्वहारा की स्थिति खराब होगी, अगला क्योंकि जहां जहां पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ेगा, पूंजीवाद क्या करता है, दे बिलीव इन मोर एंड मोर प्रोडक्शन. पूंजीवाद का मूल उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्जित करना, एंड फॉर मेकिंग प्रॉफिट दे बिलीव इन मोर एंड मोर प्रोडक्शन. वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए बड़े उत्पादन का समर्थन करते हैं, खूब उत्पादन होगा. लेकिन आप जानते हैं कि सामान खरीदने वाला कौन है, वर्किंग क्लास, और वर्किंग क्लास की आर्थिक स्थिति कमजोर है. इसे ज्यादा लाभ के लिए ज्यादा उत्पादन, लेकिन बाजार में सामान का कंजम्पशन नहीं होगा, देयरफॉर देयर विल बी लेस कंजम्पशन, उपयोग कम होगा. क्योंकि वर्किंग क्लास की स्थिति खराब है, और वर्किंग क्लास की स्थिति खराब है, सामान कौन खरीदेगा, देयरफॉर मोर प्रोडक्शन लेस कंजम्पशन. लेस कंजम्पशन होगा तो क्या होगा, कंपनी में श्रमिकों को निकाला जाएगा, द फायर ऑफ वर्कर्स फ्रॉम कंपनी. कंपनी से श्रमिकों को निकाला जाएगा, और जैसे कंपनी श्रमिकों को निकाला जाएगा, द हायर एंड फायर पॉलिसी, दे विल फायर फ्रॉम जॉब, तो उन्हें कंपनी से निकाला जाएगा, और जैसे कंपनी से निकाला जाएगा दे विल बिकम अनएम्प्लॉयड, और उसके बाद सामान और नहीं खरीद पाएंगे. देयरफॉर दिस लेस कंजम्पशन विल लीड इनटू इकोनॉमिक रिसेशन. परिणाम क्या होगा, आर्थिक मंदी आ जाएगी. परिणामों का आर्थिक मंदी आ जाएगी, और आर्थिक जब मंदी होगी तो इसका मतलब है देयर विल बी टू ऑप्शन बिफोर द वर्किंग क्लास. प्रोलेटरिएट के पास जब आर्थिक मंदी होगी तो क्या होगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कंजम्पशन खत्म हो गया, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और फैक्ट्री बंद होगी तो परिणाम क्या होगा, मजदूर के पास दो ऑप्शन रहेंगे. पहला, या तो डाई इन वांट ऑफ फूड, या तो भोजन की तलाश में मर जाएं, या तो क्रांति करके मर जाएं. तो ऑप्शन क्या होगा, पहला डाई इन वांट ऑफ फूड, भाई भोजन की तलाश में मर जाएं क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं है, या दूसरा, दूसरा रेवोल्यूशन कर दें, क्रांति कर दें. इसका मतलब है, अब आप देखेंगे सवाल यह है कि मार्क्स से पूछेंगे कि कैपिटलिज्म, यानी अब आप देखें ऐसा है तब कॉजल रिलेशन तरफ ऐसा साइंस में कहा था इसका कारण है ये, इसका कारण, कभी अपने मैथमेटिक्स का अगर थ्योरम डिराइव किया हो सारे एक से निकलते चले जाते हैं. और इसलिए मार्क्स ने कहा शहरों ने इस क्रांति को आसान बना दिया क्योंकि रेवोल्यूशन बिकेम इजियर, रेवोल्यूशन बिकेम पॉसिबल इन सिटीज.
शहरों ने इस क्रांति को आसान बना दिया. क्यों? शहरों में पहली बार वर्किंग क्लास को इकट्ठा होने का मौका मिला. बात ध्यान से रखिए, हु विल ब्रिंग आउट रेवोल्यूशन? वर्किंग क्लास, नॉट पीसेंट्स. सर्वहारा के द्वारा रेवोल्यूशन लाया जाएगा, किसानों के द्वारा बिल्कुल नहीं. दैट इज फर्म बिलीफ ऑफ मार्क्स. यह हमें याद रखने की बात है, क्योंकि किसान तो सामंतवादी युग में थे, औद्योगिक युग में कौन आया? सर्वहारा. पहली बात यह है, इन क्रांति लाई किसकी जाए द्वारा? प्रोलेटरेट के द्वारा पहला, वर्किंग क्लास के द्वारा दूसरा. दूसरा, क्रांति आने का मूल कारण क्या है? मेटेरियल एंड इकोनॉमिक. क्रांति लाने का मूल कारण क्या है? आर्थिक और भौतिक. शहर आए तभी क्रांति होगी, उद्योग आए तभी क्रांति होगी, इसके पहले क्रांति नहीं हो पाई. क्यों? इसका मतलब है, मार्क्स ने क्या कहा, क्रांति का मूल कारण क्या है? आर्थिक और भौतिक. बात को समझने की है. और तीसरा पूछेंगे, क्या क्रांति कोई पार्टी ने किया क्या? नॉट एट ऑल. मार्क्स ने पार्टी की बात कभी की ही नहीं. किसकी बात की? वर्किंग क्लास. मार्क्स ने कभी पार्टी की बात नहीं कही. तो आप फिर ये पूछेंगे कि क्रांति में, क्रांति का पहले विचार आया, पहले परिस्थिति आई? मार्क्स ने कहा भौतिक परिस्थितियों ने क्रांति को जन्म दिया. तो व्हाट इज मोर इकोनॉमिक, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारणों से क्रांति हुई. मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद और शहरीकृत युग में ही क्रांति संभव है. रेवोल्यूशन इज पॉसिबल ओनली इन अर्बनाइज एंड इंडस्ट्रियलाइज फेज ऑफ हिस्ट्री. अभी बताएंगे, अभी तो पहले बात तो कर लें, आलोचना बाद में करेंगे, फिर एक बार मार्क्स की बात कर लें. याद रखिए, रेवोल्यूशन हो गया. अच्छा बताइए, कल्पना लो कि समाजवादियों ने पूंजीवाद के विध्वंस का कोई ऐसा तरीका बताया? उत्तर है नहीं. लेकिन क्रांति होगी तो उसके बाद क्या होगा? कल. आज के लिए इतना है.